सेट हो ओके जाए। ओके ओके सर, चलो गुड इवनिंग। हाँ तो बेसिकली ये स्पेशल क्लास है कस्टम्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग आज इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जिन लोगों का सामने एग्जाम है उनके लिए भी रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और जिन लोगों का एग्जाम नहीं है वो अच्छे से पढ़े। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पर कस्टम्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो कस्टम्स नॉर्मली अगर मैं प्रोफेशनल देखूँ तो सी ए, सी एस, सी एम ए सभी को पढ़ना पड़ता है। सी एस एंड सी एम ए को तो इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल में ही पढ़ना पड़ता है कस्टम्स के बारे में। सी ए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको फाइनल लेवल में पढ़ते हैं। तो जो भी हो, जिसको जहां भी पढ़ने का जरूरत पड़े, बट कस्टम्स का नॉलेज तो सबको चाहिए। चाहे आप प्रोफेशनल्स हो या फिर आप कस्टम्स के ऊपर काम करना चाहते हो या फिर कस्टम ऑफिसर बनना चाहते हो, जो कुछ भी काम आप करना चाहो ऐसे। अब सवाल ये उठता है कि सर कस्टम्स है क्या, ये तो पहले बता दो, है ना। मतलब काम करना, प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक करना, ये तो अपने अपने जगह में है, बट उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कस्टम्स है क्या। पहले कस्टम्स क्या है ये जानेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सर कस्टम एक्ट क्या है, ठीक है, कस्टम लॉ क्या है और उसके बारे में इंस्टीट्यूट क्या कहता है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कुछ जरूर बताएंगे। तो चलो सर एक ओवरव्यू क्लास है आज, ठीक है, जिसमें मैं कस्टम्स के बारे में भी बात करूंगा, कस्टम रिलेटेड टॉपिक में भी बात करूंगा, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि सुविधा हो जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करने में। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, लेकिन समझना इम्पॉर्टेंट है सर। ओके अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें एक बार कंफर्म कर देना। तो हो स्क्रीन गया था शेयर सर। है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। हाँ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, ओके ठीक है। चलो जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया उनके लिए रिकॉर्डिंग बाद में काम आता है, यू ऑल नो दैट। अच्छा तो अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना तो है सर कस्टम लॉ, लेकिन कस्टम के बारे में लॉ जानने से पहले थोड़ा कस्टम्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं सर कि कस्टम है क्या, ठीक है। और ये कस्टम बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज से नहीं, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखोगे, इंडियन हिस्ट्री में आज से कम 2500 से 3000 साल पुराना बात है। 2500 से 3000 साल पुराना मतलब मैं बात कर रहा हूँ सर चाणक्य, मतलब आज 25 दिसंबर है ऐसे ही, बट जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 2500 से लेके 23,000 ईयर्स एगो, ठीक है, मतलब जब आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में भी कस्टम्स के बारे में बोल के गया है। सर सर आप लोग सुने होंगे कौटिल्य के बारे में, हाँ, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, आचार्य चाणक्य भी कहा जाता है, उनको विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, मतलब भारत का जो महान राजा, ठीक है, महान सम्राट, जिन्होंने अलेक्जेंडर को भारत से भगाया था, भारत को एक्वायर करने नहीं दिया था, ऐसा राजा का सलाहकार थे, किंग मेकर थे सर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और क्या क्या थे वो छोड़ो सर, लेकिन एक अजीब इंसान थे, अलग इंसान थे। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी कस्टम्स के बारे में कह के गया सर, जिसको शुल्क कहा गया था, ऐसे ये संस्कृत वर्ड है शुल्क, हाँ आप लोग सुने होंगे, जिसको हम लोग बंगाली टर्म्स में भी हम लोग बोलते हैं सर शुल्क को, है ना, हिंदी में बोलते हैं शुल्क, ठीक है, और इंग्लिश में उसी को ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शुल्क क्या है सर, तो चाणक्य ने भी उस टाइम पे बोला था कि अगर आप जिसको आज के डेट में हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से जानते हैं, मतलब अगर हमारे देश में हम लोग कोई प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं, कोई गुड्स जब हम लोग बाहर से लाते हैं जिसको हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं, सपोज मानो आप इंडिया में हो और आप यूएस से कोई चीज मंगवा रहे हो, ठीक है, तो खरीद रहे हो, एज ए बिजनेसमैन आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। उल्टा भी हो सकता है कि जैसे मानो हमारे देश इंडिया अपना प्रोडक्ट विदेश को बेचना चाहता है, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। अब ये जो इम्पोर्ट है और ये जो एक्सपोर्ट है, इसमें ड्यूटी देना पड़ता है। नॉर्मली एक्सपोर्ट पे ज्यादातर केस में ड्यूटी नहीं लगता, लेकिन किसी किसी केस में लग सकता है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्ट में ड्यूटी जरूर देना पड़ता है, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब अगर आप फॉरेन प्रोडक्ट इंडियन कंट्री में एंटर करा रहे हो तो ये जरूरी है। तो सर ये सब बातें मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है, इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट बिफोर फर्दर मतलब और आगे बढ़ने से पहले, फर्दर प्रोसीड से पहले, हम लोग थोड़ा सा कस्टम्स के बारे में दुनिया भर में क्या कॉन्सेप्ट है
दो मिनट के लिए एक बार जान लेते हैं सर। ठीक है सर, कस्टम्स क्या है और इसके बारे में मॉडर्न डे में भी काफी डिस्कशंस होता है, आप लोगों को 2 मिनट इसके बारे में मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आजकल अगर आप कभी भी एयरपोर्ट के थ्रू से, ठीक है, मतलब फ्लाइट लेके कभी इधर उधर जाओगे, ठीक है, स्पेशली फॉरेन कंट्री जाओगे, तो कस्टम ऑफिसर आपको जरूर रोकेगा सर। ठीक है, तो ये कस्टम, ये देख सकते हो आप, ये एक कस्टम ऑफिसर है जो आम्स्टरडम एयरपोर्ट में कुछ लगेज को चेक कर रहा है जो ट्रेवलर आम्स्टरडम में एंटर किया है। तो ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में, ठीक है, कस्टम ऑफिसर या कस्टम अथॉरिटी पकड़ लेते हैं। तो ये आप लोग सुनते होंगे, इवन देखते भी होंगे, फेस भी करते होंगे, पेपर में न्यूज भी आता है कि कस्टम्स ऑफिसर ने फॉरेन ट्रेवलर के बैग से ये पाया गया है, इतना वैल्यूएबल चीज पाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो कस्टम इज, कस्टम क्या है फिर? लॉ तो जान जाएंगे चाहे देश का हो या विदेश का, बट कस्टम है क्या? कस्टम इज एन अथॉरिटी और एजेंसी इन कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैरिफ मतलब टैक्स एंड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एनिमल्स ट्रांसपोर्ट पर्सनल इफेक्ट मतलब ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, हैजर्डस आइटम्स इन टू एंड आउट ऑफ ए कंट्री, चाहे किसी भी तरह का मतलब गुड्स हो, ठीक है, एनिमल्स हो, ट्रांसपोर्टिंग जो भी हो रहा है, पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी वगैरह हो, ठीक है, चाहे इंडिया के अंदर आप प्रोडक्ट लेके या गुड्स लेके या इंडिया से बाहर जाओ, या इवन नॉट जस्ट इंडिया, मैं तो यहाँ पर इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आप कस्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई कस्टम्स क्या है। भाई सिंपल बात है, कोई भी चीज लेके जो वैल्यूएबल होते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जा रहे हो तो आप लेके जा सकते हो, बट उसका क्लियरेंस होना चाहिए कस्टम डिपार्टमेंट का, सिंपल बात है। अगर कस्टम क्लियर नहीं है तो आप प्रोडक्ट लेके इंडिया के बाहर बेचने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आप खुद के लिए भी लेके जाते हो ना, वो भी चेकिंग होगा कि आप कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड लेके बाहर जा सकते हो, ठीक है, इस तरह का चीजें आप जरूर सुने होंगे, ठीक है, मन मर्जी नहीं होता सर। So traditionally customs has been considered as the fiscal subject. Fiscal मतलब financial subject. Fiscal का मतलब होता है financial, ठीक है? Fiscal subject and charges custom duties. तो अगर आप कोई product या goods वगैरह लेके, कोई asset वगैरह लेके देश के बाहर या देश के अंदर आ रहे हो या जा रहे हो, ठीक है, उसमें tariff या tax लगा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग import export भी कहते हैं। मतलब अगर इंडिया के बाहर आप प्रोडक्ट को लेके जाओगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, और इंडिया के अंदर अगर कोई गुड्स बाहर से लेके आते हैं तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इन रिसेंट डिकेड्स द व्यूज ऑफ द फंक्शंस ऑफ कस्टम्स, मतलब आजकल क्या है ना, कस्टम का फंक्शंस काफी बढ़ गया है, कंसिडर्ड एक्सपेंडेड एंड नाउ कवर्स 3 बेसिक इश्यूज, इसमें टैक्सेशन आता है, सिक्योरिटी मैटर भी आता है, एंड ट्रेड फैसिलिटेशंस भी आता है। टैक्सेशन क्यों? बिकॉज देश का इनकम बढ़ता है, सिंपल बात है। मतलब आज के डेट में कस्टम्स मतलब सिर्फ टैरिफ लेना नहीं, कस्टम्स मतलब टैरिफ तो लेना ही है बट सिक्योरिटी भी है, मतलब कस्टम ऑफिसर सिक्योरिटी को भी देखता है कि भाई देश के अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, ये देश का सिक्योरिटी का भी मैटर है। और ट्रेड फैसिलिटेशंस, ट्रेड फैसिलिटेशंस मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो बिजनेस करता है उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कस्टम्स का। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? मौसमी हो जाए अच्छे बट्टा है सर। तो ये मेन पर्पस है सर कस्टम्स का। तो आज के डेट में कस्टम मतलब सिर्फ टैक्स लेने का मैटर नहीं है, आज के डेट में कस्टम्स का रोल प्ले बहुत बड़ा हो गया। मतलब जो लोग आगे जाके कस्टम ऑफिसर का एग्जाम क्रैक करके कस्टम्स ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, उनका रोल प्ले काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये आज का कस्टम्स का हालत मैं आपको थोड़ा सा बताया, और अगर आप और डिटेल्स में कस्टम्स के बारे में वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो मैं आपको कस्टम्स का ये नोट शेयर कर लूंगा, आप लोग जरूर घर पे गो थ्रू करें, ठीक है। और लेकिन एक बात है सर कि कस्टम्स फॉलो करना पड़ता है, कस्टम्स रूल्स रेगुलेशंस हर कंट्री का होता है, ईच कंट्री हैज इट्स ओन लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन टू एंड आउट ऑफ ए कंट्री, मतलब देश के अंदर गुड्स लाओ या देश के बाहर लेके जाओ, इन्फोर्स बाय देयर रेस्पेक्टिव कस्टम अथॉरिटीज। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सम गुड्स मे बी रिस्ट्रिक्टेड और फॉरबिडन एंटायरली, हो सकता है कि कुछ गुड्स फुल्ली आपको एक्सपोर्ट करना माना है या इंपोर्ट करना माना है, ऐसे इंडिया के अंदर भी है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ पेनल्टीज आर फेस्ड बाय दोज हु ब्रेक दिस लॉज, अगर आप ये सब नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ता है। ऐसे हर कंट्री का अपना अपना है सर, सभी कंट्री का इक्वल रूल ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन कस्टम्स का जो मेन पर्पस है या मेन कॉन्सेप्ट है वो ओवरऑल सारे कंट्री का सेम ही है। लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हो कि वर्ल्ड वाइड बाकी कंट्रीज का थोड़ा समरी दिया हुआ है, ठीक है, आप जरूर चेक कर सकते हो यहाँ से जाके कि किस तरह से ये सब कस्टम ऑफिसर है, यूएस कस्टम ऑफिसर, ठीक है,
ट्रेड फेसिलेशंस पे काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ प्रॉपरली बिजनेस कर पाए, ठीक है। सिक्योरिटी का भी मैटर है सर इनके पास कि भाई फॉरेन में, फॉरेन से कोई कुछ मतलब बेसिकली बोमा वगैरह लेके तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वॉट एवर, मतलब आजकल कोई भरोसा नहीं है ना सर, कुछ भी हो रहा है ना, हाईजैकिंग वगैरह हो जाता है, बोम लेके, गन लेके, स्मगलिंग वगैरह बहुत कुछ होता है, तो कस्टम ऑफिसर्स के ऊपर ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है सर। अगर आप कंट्री वाइज भी देखना चाहोगे तो यहाँ पर कंट्री वाइज भी कुछ समरी है, लाइक यूरोप का, जर्मनी का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जर्मनी में आपको 22 यूरो, देयर आर नो टैक्सेस, ठीक है, फ्रॉम 22 यूरो टू 150 डॉलर इट इज नेसेसरी टू पे वैट व्हिच इज 7% और 19% डिपेंडिंग ऑन द गुड्स, फ्रॉम 150 डॉलर इट इज नेसेसरी टू पे वैट एंड कस्टम्स, मतलब ये जर्मन का है। अब आप यूरोप का देखोगे तो यूरोप के दूसरे कंट्रीज का भी मिलेगा, रोमानिया का है, ठीक है, इटली का है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवेकिया का है, यूक्रेन का है, अमेरिका का भी है, कनाडा का भी दिखेगा आपको, ये यूनाइटेड स्टेट्स का लंबा लिस्ट है। चलो सर अभी इतना डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पस, मैं आपको एक कस्टम्स का आइडिया दिया कि भाई कस्टम्स के लिए अलग अलग कंट्री अलग अलग रूल सेट कर सकता है, बट ओवरऑल जो इसका पर्पस है वो पर्पस सबके लिए सेम है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग भारत का कस्टम्स के बारे किस बारे में जानेंगे, ठीक है, इंडिया में कस्टम कैसे काम करता है, कस्टम लॉ इंडिया में इंडिया के लिए किस तरह का काम करता है इसके बारे में जानेंगे सर, ठीक है। अच्छा एक मजा का बात है सर कि हम लोग आज का क्लास करने के बाद आप लोगों के लिए एक मतलब कैप्सूल टाइप्स है सर, जो सी एस सी एम में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आपको ना पूरा कस्टम्स लॉ का, ठीक है, पूरा सेक्शन वाइज डिस्कशन किया है शॉर्टकट में, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा कस्टम्स लॉ को एक बार अपने अपने स्टडी मटेरियल से कंप्लीट होने के बाद जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर आप ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गो थ्रू करोगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, भाई क्या क्या याद करके जाना है, मतलब आप बोल भी सकते हो कि सर क्या सजेशन है, आप मतलब मेन मेन पॉइंट्स का सजेशन भी बोल सकते हो, तो ये भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, इसमें कस्टम्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता के रखा है, ठीक है, ये आप लोगों को मैं लास्ट में शेयर करूंगा, जरूर मुझे याद दिलाना मौसम में एक बार। अच्छा अब बात कर लेते हैं सर कस्टम ड्यूटी इंडिया के लिए क्या है, ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी रेफर्स टू क्या है सर, टैक्स इम्पोज्ड ऑन द गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, दैट इज द पॉइंट। कस्टम ड्यूटी क्या है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन द गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जब हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर, नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल बॉर्डर, अब इंटरनेशनल बॉर्डर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इंडिया के बारे में भी जानना चाहिए कि भारत कितना तक, मतलब हाउ मच भारत कितना एक्सटेंड करता है। ऐसे आप लोगों को मैं इनकम टैक्स पढ़ाने के टाइम पे, जीएसटी पढ़ाने के टाइम पे इंडिया कितना है बोला है, अरे बोला है कि नहीं बोला, मुझे बोल, इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है ना, और 200 नॉटिकल माइल तक कस्टम वाटर का एरिया है, उसके बाद हाई सी है ना, तो इंडिया कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है सर, आपको इंडिया कितना है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो इंडिया है आपको दिख ही रहा है, ठीक है, अब इसका इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब ये जितना नॉटिकल माइल तक इसका समुंदर फैला हुआ है, ठीक है, जितना नॉटिकल माइल तक इसका समुंदर फैला हुआ है, नॉर्मली 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया है ही, ठीक है, उसका आसमान भी भारत का, उसका जमीन भी भारत का, उसका पानी भी भारत का, ठीक है, तो अगर भारत के बॉर्डर छोड़ के कोई पर्टिकुलर शिप या कोई पर्टिकुलर फ्लाइट, ठीक है, कोई फॉरेन में जा रहे हैं, मानो थाईलैंड जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, ठीक है, या सिंगापुर से या थाईलैंड से आ रहा है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होगा तो भारत से जाएगा और इम्पोर्ट होगा तो भारत में आएगा। अभी पूरा खेल में कस्टम का खेल बचा हुआ है सर, ठीक है, इसमें भारत सरकार का अर्निंग भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से अर्निंग भी करता है, और वो अर्निंग का कैलकुलेशन कैसे होता है जो कस्टम वैल्यूएशंस पे हम लोग सीखेंगे सर, कस्टम कैलकुलेशंस पे आज ही हम लोग कुछ बात कर लेंगे सर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस अभी आपको मैं बताने वाला हूँ सर, ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो कस्टम ड्यूटी रेफर्स टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। The objective behind levying custom duty, अब के मन में चल रहा है कि सर कस्टम ड्यूटी क्यों लगाया जाता है ये जानना जरूरी है ना सर, अगर आपको यही नहीं पता कि टॉपिक किस पर्टिकुलर मैटर पे काम करता है, आप क्यों पढ़ रहे हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आपको क्यों जानना है कस्टम ड्यूटी के बारे में, है ना, क्योंकि कस्टम ड्यूटी क्यों चार्ज किया जाता है, जैसे आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ते हो, जीएसटी में पढ़ते हो, वैसा ही कस्टम में पढ़ो,
कस्टम ड्यूटी इज टू सेफगार्ड ईच नेशन इकोनॉमी, हर कंट्री का अपना अपना इकोनॉमी होता है, उसको बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सेफगार्ड करना मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी करना है, लेकिन अपने अपने कंट्री का बिजनेस को सेफगार्ड भी करना है, उनके जॉब को भी देखना है, उनके एनवायरमेंट को भी देखना है, उनके रेसिडेंट का भी इम्पोर्टेंस है। सर क्यों, ऐसा क्या बात है? सर देखो, अगर भारत में कोई विदेशी प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा आ जाए, ठीक है, जैसे मानो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि चाइना का सारा प्रोडक्ट अगर ऐसे चाइना से तो हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो चाइना से करता है सर, आपको बता कर, ठीक है, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, अमेरिका से भी करता है। अब मानो कि सारे चाइनीज प्रोडक्ट अगर इंडियन मार्केट में बिकना चालू हो जाए, ठीक है, तो फिर भारत के बिजनेस का क्या होगा? जो प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है, हाँ मौसमी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसका क्या? अगर हम लोग सारे और ऊपर से अगर हम लोग हमेशा दूसरे से खरीदते रहेंगे, जैसे हम देखो ना मोबाइल फोन लैपटॉप ये सब तो हम लोगों को फॉरेन से ही खरीदना पड़ता है ना, ज्यादातर भारत का टेक्नोलॉजी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो लोगों को अभी पसंद नहीं है। तो आप जरूर बोलोगे, शायद बोलोगे सर तो फिर इंपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अचानक इंपोर्ट करना बंद कर दोगे, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी का मैटर है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा इशू है कि सेल्फ सफिशियंट होना जरूरी है, भारत अभी बहुत सारी चीजों में सेल्फ सफिशियंट नहीं है, तो जिसमें हम सेल्फ सफिशियंट नहीं है उसको हम लोगों को बाहर से लाना ही पड़ेगा, है ना, तो टेक्नोलॉजी में अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं, तो उसके लिए हमें बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटी, ठीक है, कुछ 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 टेक्नोलॉजिकल कमोडिटीज भी है जो भारत अच्छा एक्सपोर्ट करता है। मैं जरूरत पड़ने से आपको एक पूरा लिस्ट बता दूंगा, ठीक है, आपको पता चलेगा कि भारत क्या क्या चीज एक्सपोर्ट करता है ज्यादा और क्या क्या चीज इम्पोर्ट करते हैं ज्यादा, ठीक है, इसका एक पूरा एक बहुत ही सुंदर सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। लेकिन इतना तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कि भारत सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो चाइना से करता है, ठीक है, भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करता है, ठीक है, तो चलो ये सब अच्छा अच्छा बातें हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने देश में जो लोग हैं, अगर सारा प्रोडक्ट फॉरेन का हो जाए, तो दिक्कत है, हाँ जरूर उसमें फॉरेन का अच्छा है बट इंडिया का दिक्कत हो जाएगा, तो हमें ना एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है, मतलब जो जरूरी है वो ले, जरूरत के ज्यादा चीज अगर हो तो उसमें ड्यूटी इतना बढ़ा दो, कि ताकि इंडिया में बेचने में उतना उनको सुविधा ना मिले, ठीक है, डायरेक्ट ना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज WTO के साथ जो डील होता है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, अगर डायरेक्टली ना नहीं कर सकते, आप ड्यूटी बढ़ा दोगे ना तो वो इनडायरेक्टली ना हो जाएगा, और इनडायरेक्ट ना का मतलब ये है कि भाई हम लोग ड्यूटी बढ़ा दे रहे हैं इसमें, तो आप आपका प्रोडक्ट सेंड करोगे तो इंडिया में बिकेगा नहीं, सिंपल बात है, लेकिन उसमें जो लेगा लेगा। अब ये सब बातें हैं सर, ठीक है, ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंट्री का मतलब इकोनॉमिक पर्पस भी समझना होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है सर, सेफगार्ड ईच नेशंस इकोनॉमी, हर एक कंट्री अपने अपने इकोनॉमी को सेव करने के लिए, उस कंट्री का जॉब को सेव करने के लिए, अगर सारे प्रोडक्ट बाहर से आएगा तो फिर इंडिया में जो मेक इन इंडिया चल रहा है, हाँ सर, जो मेक इन इंडिया चल रहा है, तो फिर वहां पर जॉब कहाँ, जॉब कैसे क्रिएट होगा? ये जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं इतना मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया, तो अगर इंडिया इंडियन इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट अगर फॉरेन का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जॉबलेस हो जाएगा भारत, ऐसे ही जॉब के लिए हाहाकार मचा हुआ है ना, स्कैम तो उसके अंदर है, करप्शन है, तो ये देखना जरूरी है। तो ये जब भी हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो इसके पीछे काफी सारा काम चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं सर, साथ में देश का इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना, रेसिडेंट को देखना, बाई रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्पेशली प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड गुड्स इन एंड आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, चाहे भारत में आए या भारत के बाहर जाए, ठीक है, जो भी कंट्री से भारत लेना देना करता है उनके बीच में जो भी प्रोडक्ट का लेन देन होता है उसके ऊपर ये चीजें पूरा फोकस किया हुआ है सर, इतना तो समझ में आ रहा होगा सर, हेलो बोलो, इंडियन इकोनॉमी का ये समझ में आ रहा है ना सर, इसी तरह से कस्टम ड्यूटी का इंपॉर्टेंस है सर, कस्टम ड्यूटी इस तरह से भारत को संभालते हैं। जैसे आपको मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भारत का करंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिचुएशन, ये देखो सर, ये इंडियन इकोनॉमी का मैंने विकिपीडिया का पेज ओपन किया, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भारत करेंटली लास्ट जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे ये काफी अपडेट करता है अपने आपको विकिपीडिया, 421 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है सर, ठीक है, एक्सपोर्ट करना मतलब हमारे देश का प्रोडक्ट फॉरेन में जाता है जिसका वैल्यूएशन है 421.894 बिलियन, मतलब अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 422 बिलियन US डॉलर का,
और हम लोग इंपोर्ट करते हैं सर 612 बिलियन का, मतलब हम लोग खरीदते ज्यादा है बेचते कम है ना सर। 612 माइनस 422, हिसाब लगा लो जितना होता है, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। फर्स्ट 612 माइनस 422 कितना डिफरेंस हो जा रहा है? 190 बिलियन का घाटा है। मतलब बेसिकली अच्छा होता कि अगर सेम काइंड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता तो इट्स गुड फॉर द कंट्री, तो भारत का एक्सपोर्ट अभी भी पीछे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में फॉरेन प्रोडक्ट बहुत आता है, ठीक है, मतलब भारत अभी भी बहुत सारे चीजों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। एक बार फटाफट देख लो कि भारत क्या क्या चीज एक्सपोर्ट करता है। भारत नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है, अदर प्रोडक्ट पॉइंट फोर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, एंड अदर 8.3। तो कुल मिला के सर, और एक चीज देख लो, मेन मेन इंपोर्ट पार्टनर्स कौन है? चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इराक है, ये सब कंट्री से भारत खरीदते हैं, मतलब उनके कंट्री का प्रोडक्ट हमारे देश में आते हैं। एक्सपोर्ट पार्टनर के सबसे बेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, नीदरलैंड एंड बाकी सभी देशों के साथ भारत बिजनेस करता है। तो हम लोग कस्टम लॉ में बेसिकली हम लोगों का मेन फोकस एरिया क्या है? कस्टम लॉ में हम लोग यही जानेंगे, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है इसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, जो टैक्स लगता है, इसका कैलकुलेशन टेक्निक, ठीक है, इसी के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कितना तरह का ड्यूटी होता है। ऐसे तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है सर, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कितना तरह का ड्यूटी लगा जाता है जब कोई प्रोडक्ट बाहर से लाता है हमारे देश में, तो क्या क्या ड्यूटी लगता है? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी। कस्टम ड्यूटीज आर चार्ज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ऑन एवरी गुड व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। जो भी चीज आप फॉरेन से इंडिया में लाओगे, जैसे चाइना से हम लोग बहुत लाते हैं, तो गुड जब भी इंडिया से, चाइना से इंडिया में आएगा तो उसमें बीसीडी तो जरूर लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको ये सब इकोनॉमिक डेटा इसलिए शेयर कर रहा था आपका आइडिया क्लियर करने के लिए कि देखो भाई हम लोग कितना कितना प्रोडक्ट, कितना कितना अमाउंट का चीजें हम लोग फॉरेन से लाते हैं। तो जब भी हम लोग इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इतना वैल्यूएशन का प्रोडक्ट अगर फॉरेन से लाएंगे तो आप समझ लो कि इसमें ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा हो जाता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एजुकेशन सेल्स भी है कस्टम ड्यूटी के ऊपर, ठीक है। आगे आगे चर्चा करेंगे सर, ये सब हम लोग आगे आगे ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। अब आपके मन में चल रहा है सर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होता है या कंप्यूट कैसे होता है, ठीक है। अब चलो इसके लिए तो काफी सारा रूल है, ठीक है, लेकिन फिर भी कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन करने का ना कुछ फेमस रूल है, उसके बारे में मैं वैल्यूएशन चैप्टर में डिस्कस करूंगा। कस्टम ड्यूटी सर कंप्यूटेड ऑन ए स्पेसिफिक और एड वैलोरम बेसिस, आगे डिस्कशन डिटेल्स में होगा, अभी जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स की वैल्यू के ऊपर होता है, वो जो वैल्यू होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है जो रूल्स कस्टम वैल्यूएशन रूल के अंदर बोला गया है, कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007। इफ दीज आर देयर आर डाउट्स रिगार्डिंग द ट्रूथ एंड एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स देन वैल्यूएशन ऑफ सच डन इज थ्रू फॉलोइंग मेथड। अगर वैल्यूएशन में एक्यूरेसी में सवाल उठता है कि भाई नहीं इसका वैल्यूएशन पे प्रॉब्लम है, तब कुछ रूल बना हुआ है, रूल 4, 5, रूल 7, रूल 8, ठीक है, तब उसके ऊपर होता है। अब डोंट वरी, ये आगे आगे मैं चर्चा करूंगा, फिर भी एक बार मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। जैसे कंपैरेटिव वैल्यू मेथड दैट कंपेयर्स द ट्रांजैक्शंस वैल्यू और आइडेंटिकल और सिमिलर आइटम्स, डिडक्टिव वैल्यू मेथड दैट यूजेस द सेल प्राइस ऑफ सच गुड्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड दैट एम्प्लॉयज कॉस्ट रिलेट्स टू मटेरियल फैब्रिकेशन एंड प्रॉफिट इन कंट्री ऑफ प्रोडक्शन, एंड द फॉलबैक मेथड दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस मेथड विद एन एलिमेंट ऑफ हायर फ्लेक्सिबिलिटी। सो डोंट वरी सर, जस्ट मैं आपको नाम सुनाया इसलिए कि जब हमें ये पता नहीं चलता कि भाई गुड्स का वैल्यूएशन क्या है, तो उसको मेथड को जानने का कुछ तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका का मैं बस नाम अभी आपको शेयर किया, बट आगे आगे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। अब आपके मन में और एक सवाल चल रहा है सर, कस्टम ड्यूटी पेमेंट कैसे होता है? जैसे जीएसटी पेमेंट होता है जीएसटी के वेबसाइट के थ्रू से, इनकम टैक्स पेमेंट होता है इनकम टैक्स के वेबसाइट के थ्रू से, वैसा ही कस्टम पेमेंट करने का भी एक पोर्टल है सर, और उस पोर्टल का नाम है ICEGATE, ठीक है, मतलब इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे सर, दिखाई दे रहा है सर, हेलो, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, उसमें देखा जाते हैं सर, मैं फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूँ सर, ICEGATE कैसे देखने में है,
ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख के रखा। ये देखो ये आइस गेट का वेबसाइट है, यहाँ पर जाके ये देखो ये पर्सनलाइज डैशबोर्ड हो गया। ये देखो यहाँ पर जाओगे, ये देखो आइस गेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटिंग जीएसटी एंड, मतलब जीएसटी के साथ इंटीग्रेशन करके भी काम होता है ना सर। आगे आगे मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो आपको पता लगेगा कि क्या कस्टमर जीएसटी कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर भी काम करता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ई पेमेंट, ई संचित, ठीक है, क्विक इंफॉर्मेशन, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर होता है सर, ठीक है। तो जस्ट जब जैसे आपको कस्टम्स का नॉलेज आ जाएगा, आगे आगे जब आपको कस्टम फाइलिंग का मौका मिलेगा, जब आप लोग फार्म में काम करोगे या फिर जब ट्रेनिंग करोगे कंपनी में, तब आप लोग ये सब बहुत इजीली जस्ट कुछ दिन प्रैक्टिस करके ही आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ओके सर, सब समझ में आ रहा है। चलो सर अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब इतना देर से मैं आपको कस्टम्स के बारे में एक जस्ट बेसिक आइडिया क्रिएट कराने की कोशिश कर रहा था कि भाई कस्टम्स क्या है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दो। अब चलो सर हम लोग धीरे धीरे डेफिनेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कैलकुलेशंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सर कस्टम्स के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कस्टम्स के बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है सर। ये इसके बारे में लिखा हुआ है एंट्री नंबर 83 में, हमारे इंडियन लिस्ट होता है ना सर, ठीक है, इंडियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कस्टम्स ड्यूटी को एम्पावर किया गया है। एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू लेवी द कस्टम्स ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पावर देना पड़ता है, नहीं तो कैसे होगा। द कस्टम जो टर्म है ये बहुत ही नया है हमारे पास, ठीक है, बट हम लोग ये सब चीजें जान चुके हैं सर क्या है नहीं है। अब मैं इसके बेसिक्स में और ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। As per the 157 of the Customs Act, Section 157 of the Customs Act 1962, ये जो कस्टम एक्ट है ये 1962 में हमारे देश में डेवलप किया गया ब्रिटिश जाने के बाद। obviously, the Central Board of Excise and Customs, CBEC, Central Board of Excise and Customs, जिसको अभी Central Board of Indirect Tax and Customs के नाम से बोला जाता है, पहले CBEC था, अभी CBIC है, ठीक है। जब 1962 में आया था तब CBEC था, अभी CBIC है, मतलब अभी अगर आप कभी भी विजिट करना चाहोगे तो CBIC के साइट में आप इस तरह से विजिट कर सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यहाँ पर जीएसटी, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये सब तो अभी सब जीएसटी के साथ मार्ज हो गया है, बट कस्टम्स अभी भी अलग लेवल पे अपना काम करते हैं, तो आप इसका डिटेल्स यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो सर दिखाई दे रहा है ना सर, मौसमी देखा जाए तो यस सर। ओके अब देखो सर, तो 157 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो रिनेम होके अभी सीबीआईसी है, ये एम्पावर करता है रेगुलेशंस, मतलब ये कस्टम्स का रेगुलेशंस बनाना, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैज द पावर टू इशू द पब्लिक नोटिस व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ट्रेड नोटिस। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जो होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल ऑफिसर्स, ठीक है, उनके पास वो पब्लिक नोटिस देके जो भी नोटिस देते हैं कस्टम्स में रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, उसे हम लोग ट्रेड नोटिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब चलो सर आगे बढ़ते हैं, ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कुछ पॉइंट्स, सेक्शन वाइज कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग कस्टम्स रिलेटेड और भी कुछ बातें करते हैं जिसमें हम लोग कस्टम्स के हिसाब किताब को भी जानेंगे। अच्छा, इस एक्ट को कस्टम एक्ट 1962 कहा जाता है, ये पूरे भारत में लागू होता है सर, विद एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, with effect from 29 March 2018 and save as otherwise provided in this act, it applies also to any offence or contravention thereunder committed outside India by any person. अच्छा, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, मतलब ये पूरे भारत पे तो लागू होता ही है, लेकिन भारत के बाहर, मानो कि कोई फॉरेन कंट्री में जहाँ भारत का प्रोडक्ट जाता है, वहाँ पर अगर कोई भी कोई रूल को कॉन्ट्रावेंट करता है, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर क्या कहना चाहता है। मानो ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में कोलकाता पोर्ट से मानो श्रीलंका जा रहा है, ठीक है, अब श्रीलंकन पोर्ट में हमारे यहाँ का कोई भी जो शिप या जो फ्लाइट हमारे यहाँ का जो इंपोर्ट का जो रूल है या एक्सपोर्ट का जो रूल है उसको अगर कंट्रावेंट करता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो तो हमने श्रीलंका में किया तो श्रीलंकन गवर्नमेंट हमको ये करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, उसमें भारत सरकार का नियम लागू होगा, ठीक है, क्योंकि वो भारत का प्रोडक्ट लेके गया था और वो भारत का जहाज था,
ठीक है, तो ये बात भी समझना पड़ता है कि सिर्फ लॉ ऑब्वियसली एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन जहां तक इसका इफेक्ट जा सकता है, इसे इसीलिए बोला इट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कॉमिटेड आउटसाइड इंडिया बाई एनी पर्सन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखे सर। मतलब ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया मतलब हम इंडिया के अंदर कुछ भी करेंगे, मतलब इंडिया के अंदर ठीक करेंगे, इंडिया के बाहर जाके गलत करेंगे, ऐसा नहीं है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 में विद इफेक्ट फ्रॉम 29 मार्च 2018 में द वर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स था, ठीक है, अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हो गया। जो पहले एक्साइज एंड कस्टम्स था वो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हो गया। ठीक है, 29 मार्च 2018 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में यह सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता है सर, ये डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए, हर एक एक्ट में आता है सर, हर एक एक्ट पढ़ो, जो भी जीएसटी पढ़ लो, हम लोग जब जीएसटी पढ़ते हैं, जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं, हर चैप्टर का डेफिनेशन होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो हमें इस डेफिनेशन का नॉलेज बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला है सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब जो इस पर्टिकुलर मैटर में कोई पर्टिकुलर डिसीजन पास करा सकते हैं उसे हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कस्टम्स एक्ट 1962 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को उसको बोलते हैं जो इस पर्टिकुलर कस्टम्स के मैटर में कोई डिसीजन ले सकता है, ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, इनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहेंगे। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन नहीं है? सीबीईसी नहीं है, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स नहीं है, एंड कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल भी नहीं है, जिसको हम लोग सिस्टैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इनको नहीं रखा गया, बट बाकी कोई भी जो जिनके पास अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर, ठीक है, मतलब जिसका एलिजिबिलिटी है कोई ऑर्डर पास करने का, ठीक है, डिसीजन लेने का, ठीक है, बट किनको छोड़ के? ये बता दिया सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को छोड़ के, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को छोड़ के, ठीक है, या कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल या सिस्टैट को छोड़ के। ठीक है, तो इसे कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये सब डेफिनेशंस ना आप लोग जरूर एक बार खुद से भी गो थ्रू करें सर, बहुत जरूरी है, बहुत सारा डेफिनेशंस रहते हैं। असेसमेंट क्या होता है? अब ये तो हम लोग हर टैक्स में पढ़ते हैं सर, जीएसटी में भी पढ़ते हैं, इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, असेस करना, हिसाब करना बेसिकली। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 मींस डिटरमिनेशन ऑफ द ड्यूटेबिलिटी, मतलब किस चीज पे ड्यूटेबिलिटी, मतलब ड्यूटीएबिलिटी, मतलब कि किस चीज पे टैक्स लगाया जाएगा, किस चीज में टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स सेस और एनी अदर सम सो पेएबल, कि भाई किस गुड्स पे टैक्स है, किस गुड्स पे टैक्स नहीं है। ड्यूटी क्या होता है? टैक्स का ही दूसरा नाम। ठीक है, इंग्लिश में जैसे अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं वैसा ही टैक्स का ही दूसरा एक नाम होता है ड्यूटी। इफ एनी, अगर कोई ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, उसको एसेस करना अंडर दिस एक्ट और अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 हियर इन अंडर इफेक्ट वाज कस्टम्स टैरिफ एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद रेफरेंस टू। अब इसमें टैरिफ का क्लासिफिकेशन है ऑफ सच गुड्स, मतलब कौन से गुड्स पे क्या टैरिफ लगता है, डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट द वैल्यू ऑफ सच गुड्स, अब वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, एग्जेम्पशंस ऑफ कंसेशन ऑफ ड्यूटी सेल्स और एनी अदर सम कंसिक्वेंट, मतलब अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको भी देखना पड़ता है, जो भी ऑन द टाइम एप्लीकेबल होते हैं वो देखना पड़ेगा। कौन करता है? नॉर्मली जो कस्टम्स में एसेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक जैसे इनकम टैक्स में जीएसटी में एसेसिंग ऑफिसर होते हैं, वैसा ही होता है सर। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में बोला है। अब ये सब बेसिक बातें हैं ना सर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या है? बिल ऑफ एक्सपोर्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 द एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड्स शैल मेक एंट्री देयर ऑफ बाय प्रेजेंटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड। अगर लैंड के थ्रू से कर रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, मतलब अगर आप एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो उसका एक प्रॉपर बिल होना चाहिए कि भाई तुम एक्सपोर्ट करने के लिए आए हो तो बिल तो होगा, तो वो बिल आपको प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। शिपिंग बिल इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर लैंड के थ्रू से जाओगे तो मतलब नॉर्मल जो बिल होगा उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं,
और अगर आप जहाज के थ्रू से, जहाज मतलब आसमान वाला जहाज हो या फिर पानी वाला जहाज हो, है ना, जिसको हम लोग वेसल कह रहे हैं, या एयरक्राफ्ट, है ना, तो उसमें शिपिंग बिल होगा। तो यही है सिंपल। बोर्ड क्या है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, बोर्ड मींस द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेंट्रल बोर्ड्स एंड रेवेन्यूज एक्ट 1963। 1963 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के थ्रू से एक बोर्ड बनाया गया, ठीक है, जिस जो बेसिकली इंडियन इंडिया का कस्टम्स मैटर को देखेगा, ठीक है, उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियरेक्ट टैक्सेस के नाम से भी आज के डेट में हम लोग जानते हैं, एंड कस्टम्स के नाम पे सीबीआईसी, जो मैं आपको साइट अभी ओपन करके दिखाया, उसको बोर्ड कह रहे हैं। कोस्टल गुड्स, देयर इज अनदर डेफिनेशन, कहते हैं कि कोस्टल गुड्स क्या है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, द टर्म कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पार्ट इन इंडिया टू अनदर, मतलब भारत के एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट में जब कोई गुड्स जाते हैं तो उसे कोस्टल गुड्स कहते हैं। तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या कोस्टल गुड्स में ड्यूटी लगेगा? हेलो, मानो चेन्नई पोर्ट से मुंबई पोर्ट में गुड्स जा रहे हैं, तो क्या इसमें ड्यूटी लगना चाहिए सर? क्योंकि ना सर, ये तो देश के अंदर ही है, लेकिन ये कोस्टल लाइन में जा रहा है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन होके जाएगा, ठीक है। जैसे मानो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर भी दिखाया, ये रहा, ये मानो कोलकाता पोर्ट है। अब कोलकाता से वाइजैक पे, ठीक है, या वाइजैक से तमिलनाडु पे, या तमिलनाडु होके केरला होके मुंबई पोर्ट में गुड्स जा रहा है, तो क्या इसमें ड्यूटी लगेगा? क्योंकि ये तो देश के कोस्टल लाइन पे जा रहा है, तो उसको कोस्टल गुड्स बोलेंगे, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इसको कोस्टल गुड्स कहते हैं। बात को समझिए सर, ठीक है, इसे कोस्टल गुड्स कहते हैं। कन्वीनियंस, नाउ व्हाट इज कन्वीनियंस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, कन्वीनियंस के बारे में बात करते हैं। कन्वीनियंस क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द कस्टम एक्ट डिफाइंस कन्वीनियंस इंक्लूड्स अ वेसल एन एयरक्राफ्ट अ व्हीकल द स्पेसिफिक टर्म आर वेसल बाय सी एयरक्राफ्ट बाय एयर एंड व्हीकल बाय लैंड, जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में भी दिख रहा है ना सर, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है पर दिख तो रहा है ना, ठीक है। एयरक्राफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं, वेसल में जहाज होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने कोलकाता में भी अगर कभी खिदिरपुर में जाते हो तो ऐसे बड़े बड़े जहाज, डायमंड हार्बर में जाके कभी खड़े रहो, कभी अगर डायमंड हार्बर में जाके खड़े रहो तो आपको दिखेगा। अगर आपका घर हल्दिया में है तो हल्दिया में जाके देख लो, ठीक है, अगर कोलकाता से हो तो डायमंड हार्बर जाओ, या फिर खिदिरपुर में जाके भी देख सकते हो सर, ठीक है, गार्डन ब्रिज में जाके, वहां पर भी आपको ऐसे बड़े बड़े वेसल देखने को मिलेगा जो फॉरेन से आ रहा है या फिर इंडिया के दूसरे पोर्ट से आ रहा है। कस्टम एरिया क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 कस्टम एरिया के बारे में बात करता है। कस्टम एरिया मींस द एरिया ऑफ कस्टम स्टेशंस एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन व्हिच इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑर्डिनरीली केप्ट बिफोर क्लियरेंस ऑफ द कस्टम अथॉरिटी। कस्टम अथॉरिटी के क्लियरेंस होने के पहले तक जिस एरिया में सारे के सारे गुड्स को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के लिए लाया जाता है या भेजा जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया को कस्टम एरिया कहा जाता है। कस्टम पोर्ट किसे कहते हैं? As per Section 2, Subsection 12 of the Customs Act, Custom Port means any port appointed under Section 7, Subsection A of the Customs Act to be a custom port and includes a place appointed under Section 7, AA, Subsection AA of the Customs Act to be an inland container depot. ठीक है? Inland container depot मतलब जो इंडिया के अंदर जो पोर्ट होता है, सिंपल बात है यहाँ पर। अब इसको देखो, लॉ में ऐसे करके ही बोलता है, लॉ हमेशा ऐसे ही करके बोलता है, तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि भाई कस्टम एयरपोर्ट भी होते हैं जो सेक्शन 7 सबसेक्शन ए में बोला है, मींस एनी एयरपोर्ट एंड इंक्लूड्स अ प्लेस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन डबल ए विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मई 2012 टू बी एन एयर फ्रेट स्टेशन, जो नॉर्मली आपको एयरपोर्ट एरिया में देखने को मिलता है, जैसे कोलकाता में आपको कोलकाता एयरपोर्ट में देखने को मिलेगा, मुंबई में, दिल्ली में भी आपको इंदिरा गांधी नेशनल जो एयरपोर्ट है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एयर फ्रेट स्टेशन होते हैं, तो उसको कस्टम पोर्ट कहा जाता है। फ्लाइट के केस में फ्लाइट जैसा, एयरक्राफ्ट के केस में और वेसल्स के केस में, मतलब सी पोर्ट के केस में सी पोर्ट के जैसा, उसको इनलैंड इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट भी कहते हैं। कस्टम स्टेशन के बारे में सेक्शन 213 में बोला है, सबसेक्शन 13 में, कस्टम स्टेशन मींस एनी कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशंस। कस्टम्स एयरपोर्ट अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन ए मींस एनी एयरपोर्ट इंक्लूड्स अ प्लेस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन डबल ए, मतलब बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बिकॉज देखो लॉ को ना डेफिनेशंस बताना पड़ता है, ये लॉ बाउंड है इसमें, बिकॉज वो अगर बताएगा नहीं ना कि
आप कस्टम स्टेशंस बोल रहे हो तो बताओ किस चीज को कस्टम स्टेशंस बोल रहे हो, आप कस्टम पोर्ट बोल रहे हो तो बताओ कौन सी चीज को कस्टम पोर्ट बोल रहे हो। तो इसलिए ये सब बताना पड़ता है, ये हर लॉ का एक कॉमन बातें हैं सर। ड्यूटीएबल गुड्स मतलब कौन से गुड्स पे ड्यूटी लग रहा है, मतलब चार्जेबल टू ड्यूटी है या नहीं, मतलब क्या गुड्स में ड्यूटी लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा या ड्यूटी नहीं लगेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, द टर्म इज डिफाइंड टू मीन एनी गुड्स व्हिच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन व्हिच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। इसमें ड्यूटी लगेगा मतलब किस पर्टिकुलर गुड्स में टैक्स देना है और किस पर्टिकुलर गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में टैक्स नहीं देना है। जैसे रिसेंटली बासमती राइस के ऊपर कुछ रूल बनाया, आई होप आप लोगों ने अगर देखा होगा तो शायद बासमती राइस पे, ऐसे भारत का बासमती राइस बहुत ही पॉपुलर है सर, ये देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% ऑन राइस इन हास्क पैडी और रफ एंड सेमी मिल्ड एंड होली मिल्ड राइस वेदर नॉट पॉलिश्ड और ग्लेज्ड। 20% गवर्नमेंट ने बासमती राइस पे इम्पोज कर दिया सर, ये रिसेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा पुराना खबर नहीं है, 2-3 हफ्ता पहले ही है। गवर्नमेंट लिफ्ट बैन ऑन ऑर्गेनिक नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स, इसको पहले बैन करके रखा था फिर बैन हटाया। इंडिया इम्पोजेस 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन नॉन बासमती राइस, अच्छा नॉन बासमती राइस पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, मतलब जो बासमती नहीं है, ठीक है, जो बासमती नहीं है अगर आप उस पर्टिकुलर राइस को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उस पर गवर्नमेंट 20% ड्यूटी लगाए। नॉर्मली एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगता बट फिर भी गवर्नमेंट कंट्री के सेफगार्ड के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसा ऐसा डिसीजन लेता है। बस आपका थोड़ा सा दिमाग ओपन होना चाहिए कि चारों तरफ हो क्या रहा है। इसीलिए मैं नॉर्मली स्टूडेंट को ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई जितना कर रहे हो, क्लास वगैरह कर रहे हो वो तो ठीक है, बट रेगुलर थोड़ा बिजनेस न्यूज देखा करो, थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइम्स जैसे या बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज पेपर या मिंड जैसे न्यूज पोर्टल देखा करो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत फायदे होते हैं सर, क्योंकि ये सब चीजों के साथ अगर आप खबर रखते हो ना तो आपको पढ़ाई करने के टाइम पे कनेक्ट होना बहुत सुविधा होता है। तो इट्स ऑलवेज मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। ओके अच्छा, फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट ये भी बोला है, ठीक है, कस्टम्स एक्ट फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट फ्रॉम एनी पोर्ट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट इन इंडिया टू एनी पोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया। अब इसमें क्या समझा सर, ठीक है, बस एक बार गोथ्रू कर लेना। ओके मौसमी ये तो गोथ्रू हो जाएगा ना डेफिनेशन वगैरह। अब चलो हम लोग धीरे धीरे कुछ केस लॉ और कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ केस लॉ पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कस्टम्स को कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो एक एक करके आपको बताते हैं। सॉरी अच्छा, जैसे कि आपको मैं गुड्स के बारे में बात कर रहा था तो एक्चुअली गुड्स को लेके काफी प्रॉब्लम हुआ था, तो एक केस बना है, देखो एक बार गुड्स के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, द टर्म गुड्स इंक्लूड्स वेसल्स एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, मतलब गुड्स के अंदर वेसल्स भी हो सकता है, मतलब बड़े बड़े जहाज में वेसल्स भी आते हैं वो भी गुड्स की तरह आते हैं, एयरक्राफ्ट भी लाए जाते हैं बाहर से। जैसे आप सुनते होंगे भारत ने फ्रांस से एयरक्राफ्ट खरीदा तो क्या आसमान से भी आते हैं क्या? नॉर्मली आसमान से भी आ सकता है या फिर वो जहाज भी चढ़ के भी आ सकता है। स्टोर्स बैगेज करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी उसे गुड्स कहते हैं यहाँ पर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, इसमें केस बना था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड वर्सेस सीसी 2001, इसमें केस बना था। आरएसटी लिमिटेड इंपोर्टेड ड्रॉइंग्स एंड डिजाइन इन पेपर, ध्यान से देखो सर, RST Limited imported drawings and designs in paper through professional courier and post parcels. However, the Assistant Commissioner of Customs, CC मतलब Commissioner of Customs को बोल रहे हैं, Assistant Commissioner of Customs valued these drawings and designs and levied duty on them. एक company है जिन्होंने drawings and designs जो paper में है professional courier के through से post parcels किया था, ठीक है। अब Assistant Commissioner बोल रहा है कि इसमें duty लगाया जाएगा। RST Limited जरूर बोल रहे कि नहीं इसमें ड्यूटी नहीं होना चाहिए। Contended that customs duty cannot be levied on drawings and design as they do not fall in the definitions of goods under the Customs Act 1962. ठीक है, so do you feel the stance taken by RST Limited is tenable in law? मतलब ये क्वेश्चन है, आपको लगता है क्या
क्या आरएसटी लिमिटेड अगर ये बोल रहा है कि ड्राइंग्स एंड डिजाइन गुड्स के अंडर में नहीं आता, तो इसे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए. सपोर्ट योर आंसर विद डिसाइडेड केस लॉ इन एनी इफ एनी. तो बेसिकली ये केस भी है और साथ में इसका जवाब भी आपको पूछ रहा है. तो डिसीजन क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या डिसीजन ऑब्जर्व किया था. देखो सर, ये सभी चीजें सब्जेक्ट टू केस लॉ है, सब्जेक्ट टू कोर्ट लड़ाई है. कोर्ट में लड़ाई होता है, बातचीत होता है, प्रूव होता है, तब जाके उसको हाँ भाई इसमें टैक्स लगेगा, हाँ भाई इसमें टैक्स नहीं लगेगा, है ना. जैसे रिसेंटली अगर आप देखोगे कि जैसे रिसेंटली अगर मैं कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ केसेस चल रहा है, ये हिजाब, जैसे मुसलमान जो फॉलोअर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हिजाब स्कूल में पहन के जाना ठीक है क्योंकि मेरा धर्म मुझे ये इजाजत देता है. तो हिंदू पक्ष वाले बोल रहे हैं कि तो फिर हम लोग भी भगवा पहन के जाएंगे, ठीक है, हम लोग भी फिर तिलक लगा के चले जाएंगे, ठीक है, जो शैविज्म फॉलो करते हैं, जो वैष्णविज्म फॉलो करता है, ठीक है. तो अब लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, स्कूल का अपना अटायर होता है, स्कूल का अपना ड्रेस होता है, उसे फॉलो करना चाहिए. तो इस तरह का चाहे सिविल केसेस हो, ऐसे कस्टम्स मतलब बिजनेस लेवल केसेस हो, हमेशा चलता रहता है सर, ठीक है. जैसे बिग बाजार और रिलायंस के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था, जो इकोनॉमिक लॉ क्लास में मैं नॉर्मली बताता हूँ, तो वहां पर भी आप लोगों ने अगर पढ़ा है या सुना है, वहां पर भी प्रॉब्लम बना है कि अमेजन बिग बाजार और इसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. अब ये सब डिस्प्यूट ना लॉ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तभी तो लॉ है, कि नियम बनता है सर, नियम समय के साथ साथ बनता है, बनाया जाता है. चलो सर ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन इस केस में क्या हुआ. एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट दो टेक्निकल एडवाइस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इंटेंजिबल एसेट्स, बट द मोमेंट दे आर पुट ऑन मीडिया, वेदर पेपर मतलब मीडिया मतलब माध्यम, ठीक है, वेदर पेपर ऑन कैसेट्स और डिस्केट्स और एनी अदर थिंग, दे बिकम मूवेबल एंड आर दस गुड्स. क्या कहता है, टेक्निकल एडवाइस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कोर्ट ने बताया टेक्निकल एडवाइस हो, जैसे अगर आप डिजाइन मंगवा रहे हो तो ये एक तरह का टेक्निकल एडवाइस हो गया ना. जैसे मानो जो इंजीनियर होते हैं, वो आर्किटेक्ट डिजाइन बना के भेजता है कि नहीं भेजता. हेलो, जो हाँ सर, इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग डिजाइन वगैरह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो टेक्निकल एडवाइस है. चाहे वो टेक्निकल एडवाइस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो जहाज से नहीं आएगा, वो तो ऑनलाइन आएगा, ठीक है. सो वट एवर, चाहे वो पेपर में आए, कैसेट्स में आए, डिस्केट्स में आए, फ्लॉपी में आए, जो भी चीज हो, ठीक है, उसको गुड्स माना जाएगा. देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट भी केस बना था, द ड्राइंग्स डिजाइन्स मैनुअल्स एंड टेक्निकल मटेरियल्स आर गुड्स एंड लायबल टू कस्टम ड्यूटी एंड देयरफॉर द स्टैंड टेकन बाय आरएसटी लिमिटेड इज नॉट करेक्ट इन लॉ. बस इसी तरह से पढ़ना है. केस बना है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, तो आपको बस सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना है. अगर सुप्रीम कोर्ट तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है सर, तो वो जो बोलेगा उसको मानना पड़ता है, सबको मानना पड़ता है, हमें आपको प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को सबको मानना पड़ता है, ठीक है. और वो देखो सर, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई डिसीजन होता है, हाँ उसे चैलेंज तो किया नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, बट हाँ मतलब आप उसके कोर्ट के अगेंस्ट में जा सकते हो, प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही हो. अच्छा, इम्पोर्ट ऑफ अभी हो गया गुड्स के बारे में एक पॉइंट था, इम्पोर्ट रिपोर्ट के बारे में भी एक पॉइंट है. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, द डिसीजन इन चार्ज ऑफ अ व्हीकल कैरिंग इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्टेड गुड्स लेके कंट्री में आ रहा है सर, मतलब बाहर की चीजें इंडिया में लेके जो व्हीकल कैरी करके आ रहे हैं, डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एन इम्पोर्ट रिपोर्ट. प्रॉपर ऑफिसर को इम्पोर्ट रिपोर्ट देना पड़ता है कि भाई मैंने ये सामान बाहर से लाया, ये इसका रिपोर्ट है, विदिन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल इन द कस्टम स्टेशन. इसलिए मैंने कस्टम स्टेशन पढ़ाया, मतलब जो नॉर्मली एयरपोर्ट हो या फिर अगर जैसे पोर्ट एरिया हो, ठीक है, उसको कस्टम स्टेशन बोलते हैं. तो पोर्ट एरिया में या कस्टम स्टेशन में जब भी आपका प्रोडक्ट आते हैं सर, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास इम्पोर्ट रिपोर्ट लेके पहुंचना पड़ता है. इन केस ऑफ अ वेसल और एयरक्राफ्ट, पर्सन इन चार्ज डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मैंडेटरी. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी मैंडेटरी हो गया, कब से, पहले नहीं होता था, पर 2013 के 10th मई से ये इलेक्ट्रॉनिक मैंडेटरी हो गया सर. एज पर द फाइनेंस एक्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट रिपोर्ट अमेंडमेंट टू आईजीएम प्रोसीडियर, ठीक है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में ये जो इंपोर्टेड गुड्स का जो मैनिफेस्ट है, ठीक है, इंपोर्टेड मैनिफेस्ट रिपोर्ट या इंपोर्टेड गुड्स का जो मैनिफेस्ट है, इसको बदला गया. ऑन रिसीप्ट और प्रेजेंटेशन फ्रॉम द ट्रेड दैट द ओनिंग
to tedious process of IGM amendment, there is a reluctance to amend the facility to advance prior bill of entry. आपको मैं समझाता हूँ bill of entry मतलब जिस बेसिकली जिस चीज में आप प्रोडक्ट लाते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका एक प्रॉपर बिल होना चाहिए. तो उसी के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई बिल ऑफ एंट्री कब आ रहा है, उसका डेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में कस्टम्स डिटेल्स में बात करके रखा है, इसका सर्कुलर दिया है, वही बात यहाँ पर बोल रहा है सर, ठीक है, कि कब आया है, क्या मैनिफेस्ट में बोला गया है, कब उसका सर्कुलर आया था, उसका डिटेल्स यहाँ पर नीचे जस्ट बोला है. अच्छा, आगे देखते हैं सर. एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट को आजकल डिपर्चर मैनिफेस्ट भी कहा जाता है और एन एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, डिपर्चर मैनिफेस्ट या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट. इंपोर्टेड गुड्स क्या है, इंडिया क्या है, इंपोर्टेड गुड्स क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 इंपोर्टेड गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं. द टर्म इंपोर्टेड गुड्स मींस एनी गुड्स ब्रॉट इन इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. जो घर के कंजम्पशन के लिए है उसको इंपोर्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, जो सिर्फ घर के कंजम्पशन के लिए, मतलब मानो कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया जिसको बेचना नहीं है आपको, ठीक है, जस्ट आपने फॉरेन से मंगवाया, तो वो उसको इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहते. मतलब जिसको फिर से आपको बिजनेस करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं. With effect from 10th of May 2013, Clause A in Section 11, Subsection 2 provide that importation, exportation of goods may be prohibited for the protection of patent, trademark and copyrights. Finance Act 2013 has expanded the scope of clause to include design and geographical indications so as to provide protection of this legal right also. मतलब ये इसके ऊपर भी एक law है, GI law बोलते हैं, Geographical Indication Act, ठीक है, GI tag लगता है कि कौन सा गुड्स किस एरिया का है, उसके लिए ट्रेडमार्क कॉपीराइट भी होता है. ऐसे आपको पता हो, मतलब ये थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मैं इतना जाना नहीं चाह रहा हूँ आज का भी, जैसे क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाना चाहता, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ. जैसे जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे मानो कि कोलकाता का रसगुल्ला, ठीक है, कोलकाता रसगुल्ला हो, जैसे अगर आपको बता दूं, जैसे साउथ में एक टेम्पल है सर, बालाजी टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी का जो लड्डू होता है ना, उसका अपना जीआई टैग है. अब वो जो भी गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहा है तो उसका जीआई टैग है, ट्रेडमार्क है कि भाई ये इसका, जैसे हमारे बंगाल का जो दार्जिलिंग का जो टी है, ठीक है, दार्जिलिंग टी, आसाम का जो टी है, ये फॉरेन में जो एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज होते हैं ना, उसका एक जीआई टैग होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रेडमार्क बोलो, कॉपीराइट बोलो, साथ में जीआई टैग बोलो, क्योंकि फॉरेन मार्केट में उसका वैल्यू है कि भाई ये दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग टी का जीआई टैग होना जरूरी होता है. उसके लिए अलग लॉ है, नॉर्मली इकोनॉमिक लॉ के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जब इकोनॉमिक लॉ पढ़ाया जाता है तब उसमें ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है उसको बताया जाता है. बट फिर भी ये बात यहाँ पर इंपोर्टेड गुड्स पे भी एक बार आपको बताया तो आपको मैं बता दिया. ओके सर. अच्छा, यहाँ पर इंडिया क्या है वो भी पहले आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई इंडिया क्या है. तो इंडिया बेसिकली अपने जो सोर लाइन है, जो बेसिकली छोर है भारत का, समुन्द्र किनारा, उसमें से 12 नॉटिकल माइल तक भारत है. As per Section 2, Subsection 27 of the Customs Act, India includes the territorial water of India. भारत का territorial water जितना है, मतलब भारत मतलब सिर्फ भारत का भूखंड नहीं, भारत का समुद्र खंड भी भारत है. भारत मतलब सिर्फ भारत का भूखंड नहीं, मतलब भारत का समुद्र वाला खंड भी भारत है. तो ये देखो, ये अंडमान भी भारत है, ठीक है, ये भी भारत का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह है, ये भी भारत है. तो भारत मतलब 12 नॉटिकल माइल्स जो भारत के बारे में यहाँ पर बोला गया है. द टर्म इंडिया इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इंक्लूड्स नॉट ओनली द लैंडमास ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड द टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स टू द 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द बेस लाइन. देयरफॉर अ वेसल नॉट इंटेंडेड टू डिलीवर द गुड्स शुड नॉट एंटर दीज वाटर्स. जो भारत में गुड्स डिलीवर नहीं करना चाहता उसे भारत के वाटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है. जो भारत में गुड्स डिलीवर नहीं करना चाहता, मानो कोई यमन से भारत के तरफ से आ रहा है, अगर उसे भारत में कोई गुड्स डिलीवर नहीं करना चाहिए, ठीक है सर, कैसे पता चलेगा? सर कस्टम वाटर में पुलिस रहते हैं सर, ठीक है, वो बता देता है कि वो भारत का कस्टम एरिया है तो वो उस एरिया में एंटर नहीं करेगा. लेकिन अगर किसी का कभी गलती से कुछ हो गया, वो डिस्कशन किया जाता है, हेल्प लिया जाता है, हर कंट्री से हेल्प लेता है. बट नॉर्मल वे में अगर आपको इंडिया में गुड्स डिलीवर नहीं करना है, अगर आपको इंडिया में कोई गुड्स डिलीवर नहीं करना है, तो आप इंडिया में एंटर नहीं करोगे जहाज लेके,
समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ठीक है। ये सब छोटा छोटा मैटर है सर। ऐसा 12 नॉटिकल माइल मतलब कितना अमाउंट सर? सर 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.852 किलोमीटर। अब 12 इंटू 1.852 करो तो आपको उसको किलोमीटर में पता चल जाएगा कितना हो जाता है रे। 12 इंटू 1.852 किलोमीटर मतलब कितना किलोमीटर होता है? 22.2 22 किलोमीटर। हाँ 22। 0.22 ठीक है, ये भारत के बेस लाइन से समुद्र का अंदर भारत का एरिया है सर। जहां जहां भारत का बेस लाइन है वहां से समुद्र के अंदर तक का एरिया भारत का है। ठीक है, इस बात का स्पेशल ख्याल रखना। ट्रांजिट ऑफ गुड्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑलरेडी मैं केस लॉ बता रहा हूँ आपको, बट अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। दिस गुड शुड बी मैंशनड एज ट्रांजिट गुड्स। ट्रांजिट गुड मीन्स इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, मतलब इम्पोर्ट करने का जो जनरल मैनिफेस्टेशन है जिसको IGM कहा रहा है। ठीक है, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो है जिसमें ट्रांजिट गुड्स के बारे में कहता है, दे आर अलाउड बाई कस्टम्स टू बी ट्रांजिटेड थ्रू इंडिया पुट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब सिंपल बात है सर, अगर कोई गुड्स भारत का नहीं है, ठीक है, मानो जब कोई बड़ा जहाज करके सामान आता है, तो जैसे नॉर्मली हम लोग हमारे नॉर्मल एरिया में भी देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है फैमिली में। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ट्रांजिट गुड्स किस तरह का होता है। ऐसे मानो जो नॉर्मल ट्रक का ट्रांसपोर्ट चलता है, अब कोलकाता में ट्रांसपोर्टिंग जो ट्रक होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, गुड्स लेके जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट बंगाल के अलग अलग एरिया में सप्लाई देता है। तो जैसे मानो मैं आपको एक कुछ शहर का नाम बता रहा हूँ पॉपुलर जिस सिटी में हम लोगों का चलता है, खड़गपुर, ठीक है, KGP, झाड़ग्राम, ठीक है, ये कुछ टाउन है जहां पर जाता है। अब मानो कि कोलकाता से कोई गाड़ी, एक ट्रक लोड होता है, कोलकाता से एक ट्रक लोड होता है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। अब कोलकाता से एक ट्रक लोड होके, ठीक है, कोलकाता से ट्रक लोड होके कहाँ जा रहा है सर? सर मेरा ड्राइंग आपको पता है मैं बहुत अच्छा ड्रॉ करता हूँ, ये नमूना देख के समझ में आ जाएगा सबको कि कितना सुंदर ट्रक है ना, बच्चा लोग अगर खिलौना लग रहा है। जो भी हो, कोलकाता से ट्रक में सामान लोड होके, इसमें KGP का भी सामान है मानो, और इसके अंदर झाड़ग्राम का भी है या मिन्नापुर टाउन का भी है। अब मानो एक गाड़ी KGP में जो सामान को खाली करेगा, लेकिन उसमें झाड़ग्राम का सामान भी तो आया है, लेकिन ये ट्रांजिट हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली KGP में खाली नहीं होना है, ये ट्रांजिट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब जहाज के थ्रू से भी कोई सामान बाहर से आता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, कि अगर कोई प्रोडक्ट मानो कि चाइना से या ताइवान से कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहा है, जो बेसिकली फिलीपींस होके, इंडोनेशिया होके, सिंगापुर होके मानो भारत की तरफ बढ़ रहा है, श्रीलंका की तरफ आ रहा है, फिर श्रीलंका होके वो इंडिया में आएगा, या फिर इंडिया होके मानो ये ओमन जाएगा, ऐसा हो सकता है? बड़ा सा शिप जो होता है ना सर, जो बड़ा शिप होते हैं वो ऐसा ऐसा डिसीजन तो लेता ही होगा, क्या लेता होगा कि नहीं लेता होगा, थोड़ी ना बार बार सामान भेजेगा, तो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि भाई यहाँ खाली करते हुए जाना। तो लेकिन भारत के कस्टम्स वाटर में तो गुड्स आया ना, ओमन का गुड्स भारत के कस्टम वाटर में तो आया है, तो क्या उसका ड्यूटी भारत को देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज वो गुड्स क्या गुड्स है, वो ट्रांजिट गुड्स है। बात समझ में आया? दे सर। इधर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, शिप एट यूएसए पोर्ट एंड शिप अराइव एट मुंबई पोर्ट, गुड्स क्या है, ABC एंड D कॉलिंग टू इंडिया। ठीक है, मतलब ये गुड्स कहाँ बुला रहे हैं, भारत बुला रहे हैं, तो भारत पे आ रहे हैं सर। लेकिन यहाँ पर बात है सर, CDR कॉल्ड। अब इसमें एक चीज देखो, शिप अराइव्ड एट पोर्ट मुंबई, मुंबई पोर्ट में A एंड B गुड्स जो है उसको अनलोड किया गया, A एंड B को मुंबई पोर्ट में अनलोड किया गया, अनलोड किया नहीं है C एंड D। अब ये C एंड D को क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड है। शिप अराइव्ड एट ऑस्ट्रेलियन पोर्ट गुड्स एंड C एंड D अनलोडेड। तो एक्चुअली USA से इंडिया होके जहाज को ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो रास्ते में जाते हुए वो AB गुड्स को भारत में अनलोड किया,
और सीडी को ऑस्ट्रेलिया में जाके अनलोड कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना सर? ये देखो, अगर आप देखोगे इसका रूट देखोगे कुछ इस तरह का, मानो ये अमेरिका है, अमेरिका से जहाज, ये भास्को दा गामा का रूट बोला जाता है इसको, ठीक है, अफ्रीका होके मादागस्कर होके इंडिया जाएगा, फिर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है सर? ये ऑस्ट्रेलिया में पार्ट एरिया है, यहाँ पर जाएगा। अब बेसिकली ये ए एंड बी गुड्स को इंडिया में खाली कर दिया, लेकिन जहाज में तो ए बी सी डी चारों गुड्स था, लेकिन सी और डी कहाँ जाएगा? सी और डी ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तो ये सी डी को क्या कहेंगे? ट्रांजिट गुड्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसिपमेंट ऑफ गुड्स के बारे में एक एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। अ वेसल सेक्शन 54 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 ट्रांसिपमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। अ वेसल विष्मा सेलिंग फ्रॉम यूएसए, सेलिंग मतलब बेसिकली जब समुद्र में सेल होता है, बेसिकली ऐसे आगे सेलिंग फ्रॉम यूएसए टू ऑस्ट्रेलिया वाया इंडिया कैरीज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नेमली ए बी सी एंड डी। A and B are destined to Mumbai port on account of submissions of bill of transshipment product. A transit to Chennai. अच्छा, एक बार यहाँ पर बोल दिया कि कहाँ transit होगा, ये बोल दिया कि A transit होगा Chennai port में as ultimate destinations in India and product B transit to Sri Lanka. ये भी बोल दिया कि इसमें से A, B, C and D ये चार product है, उसमें से A, B destined to Mumbai. On account of submissions of bill of transshipment product A, मुंबई पोर्ट से फिर वो चेन्नई पोर्ट में जाएगा, फिर चेन्नई से प्रोडक्ट श्रीलंका की तरफ जाएगा, और ये भी बोल दिया प्रोडक्ट बी ट्रांसिट टू श्रीलंका। तो फाइंड द इंपोर्टेड गुड्स, ट्रांसशिपमेंट गुड्स एंड ट्रांजिट गुड्स, आपको तीन तरह का गुड्स के यहाँ पर फाइंड करने बोला है कि इसमें से इंपोर्टेड गुड्स क्या है, ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या है एंड ट्रांजिट गुड्स क्या है। सर प्रोडक्ट ए जो इंपोर्टेड गुड्स है, बिकॉज इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज इन इंडिया, प्रोडक्ट ए ये पूरा का पूरा भारत का है। प्रोडक्ट ए एंड बी आर डेस्टाइंड टू मुंबई पोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ सबमिशंस ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रोडक्ट ए ट्रांसिट टू चेन्नई पोर्ट एज अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड प्रोडक्ट बी ट्रांसिट टू श्रीलंका। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ए जो है वो तो एकदम इंपोर्टेड गुड्स है बिकॉज वो भारत में आ रहे हैं, बट प्रोडक्ट ए एंड बी आर कॉल्ड एज ट्रांसशिपमेंट गुड्स सिंस दीस गुड्स आर ट्रांसिट टू अनदर वेसल, उसको दूसरे वेसल में डाला गया, ठीक है, ट्रांसिट टू अदर वेसल्स, तभी वो ट्रांसशिपमेंट हो गया। एंड प्रोडक्ट ए ट्रांसिट टू चेन्नई, अब इसमें प्रोडक्ट ए को ट्रांसिट किया गया चेन्नई में एंड उसके बाद बता रहे हैं तो चेन्नई अट्रैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी। अब जो ट्रांसिट टू चेन्नई अट्रैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी, वेयरएज प्रोडक्ट बी इज डेस्टाइंड टू श्रीलंका, प्रोडक्ट बी जो है वो श्रीलंका जा रहा है तो उसमें ड्यूटी नहीं देना है। जो गुड्स बाहर की कंट्री के लिए हैं, भले ही वो किसी दूसरे जगह से आए, यूएसए से आया, ऑस्ट्रेलिया होके, यूएसए टू ऑस्ट्रेलिया भाया इंडिया, अच्छा यूएसए टू ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इंडिया होके जाएगा, और इंडिया होके फिर उसके से श्रीलंका भी अलग से ट्रांसिट करेगा, मतलब भारत से दूसरे जहाज उसको श्रीलंका पहुंचाएगा। बात को समझे, तो इसमें आपको ये पूछ रहा है कि भाई आज पर सेक्शन 54 आप ये बताओ इसमें से इंपोर्टेड क्या है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ए जो है ये इंपोर्टेड, लेकिन प्रोडक्ट ए ट्रांसिट भी हुआ है तो इंपोर्टेड तो एकदम बिल्कुल प्रोडक्ट ए है, और ए एंड बी इसको बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट गुड्स बिकॉज इसको हम लोग दूसरे वेसल्स में ट्रांसिप कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए को हम लोग चेन्नई में ट्रांसिप कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए ट्रांसिप टू चेन्नई जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, बट प्रोडक्ट बी जिसका डेस्टिनेशन है श्रीलंका इसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। बात समझ में आ गया सर? और प्रोडक्ट सी एंड डी, प्रोडक्ट सी एंड डी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांजिट गुड्स बिकॉज़ इट इंडिया के लिए है ही नहीं, सिंस दिस गुड्स रिमेंस इन द सेम वेसल विश्म चार्टर्ड टू ऑस्ट्रेलिया। ये हाँ बोलो, बोलछी बीओ तो তাহলে ট্রানজিট গুডস হবে, ওটাও তো ইন্ডিয়ান না, নেই বি ট্রানজিট
गुड्स नहीं मतलब इसको बी को ट्रांजिट नहीं बोल पाएंगे बिकॉज बी इंडिया में ही खाली हुआ है फिर उसमें जहाज चेंज किया हो तो इसको ट्रांसिट बोलेंगे। बी को दूसरे सीप में डाला गया सर, ये देखो यहाँ पे बोला गया अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन इंडिया, ये देखो क्या बोले इस पॉइंट में देखो, ए एंड बी आर डेस्टाइन टू मुंबई, इसका मेन डेस्टिनेशन मुंबई है, ऑन अकाउंट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ ट्रांसिट इन प्रोडक्ट ए ट्रांसिट टू चेन्नई पोर्ट एज अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड प्रोडक्ट बी ट्रांसिट टू श्रीलंका, मतलब इंडिया में मतलब जहाज इंडिया में आने के बाद, जहाज इंडिया में आने के बाद यूएसए से जब जहाज इंडिया में आया ना, ये देखो सर आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये यूएसए है, ये हमारा जहाज यूएसए छोड़ा, यूएसए से जब छोड़ा तो गुड्स ए बी सी डी लेके छोड़ा, ठीक है, कहाँ जा रहा है, भारत जा रहा है, अब ये भारत का मुंबई पोर्ट है, अब भारत के मुंबई पोर्ट में, भारत के मुंबई पोर्ट में गुड्स ए एंड बी को अनलोड किया, ए एंड बी को अनलोड करके फिर ए प्रोडक्ट को चेन्नई के लिए भेज दिया और बी प्रोडक्ट को दूसरे जहाज में, ये देखो अनलोड हुआ दूसरे जहाज में, ये दूसरा जहाज है श्रीलंका के लिए भेज दिया, तो भारत में इसका अनलोड किया गया सर, तो ये भारत के लिए इंपोर्ट मतलब प्रोडक्ट ये फुल्ली इंपोर्टेड है बट प्रोडक्ट बी इज नॉट इंपोर्टेड, ये बेसिकली ट्रांसशिप्ट, इसको भारत में अनलोड करके फिर भारत से श्रीलंका के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जो चेन्नई में जा रहा है वो भारत का ही है, इसलिए प्रोडक्ट एकदम फुल्ली इंपोर्टेड हो गया, लेकिन प्रोडक्ट भी ट्रांसशिप्ट है बट इंपोर्टेड नहीं है, और प्रोडक्ट सी एंड डी ये ट्रांसशिप्ट भी नहीं हुआ, इंपोर्ट तो है ही नहीं, इसको हम लोग ट्रांजिट बोलेंगे बिकॉज ये अल्टीमेटली जहाज में बैठ के सी और डी कहाँ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बोलो समझ में आया कि नहीं, इंपोर्ट तो उसी को बोलेंगे सर जो भारत का है, जो श्रीलंका का गुड्स है वो श्रीलंका का गुड्स भारत का इंपोर्ट नहीं है, लेकिन उसको भारत में अनलोड करके फिर दूसरे जहाज में श्रीलंका भेजा गया तो उसे हम लोग ट्रांसशिप्ट करेंगे, और जिसको मेन जहाज से हम लोग उतारेंगे नहीं उसे हम लोग ट्रांजिट करेंगे, क्लियर है सर, इसमें और एक डेफिनेशन है स्टोर्स के बारे में बोला है, इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, स्टोर मींस गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट इंक्लूड्स फ्यूल एंड शिप स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर आर नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, ठीक है, भले उसको इमीडिएट फिटिंग भी लगे ना लगे बट जो भी जहाज के अंदर होता है उसको स्टोर्स कहा जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 38। इसके ऊपर भी एक केस बना था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सलगांवकर ऑल इंडिया रिपोर्ट के ऊपर 1998 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, केस नंबर भी देके रखा है, ठीक है आप देख सकते हो फैक्ट्स क्या था, एक बिग शिप, ठीक है एक बड़ा सा जहाज कैरी कर रहा था मर्चेंडाइज एंड स्टोर्स एंटर्स दी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया बट इट कैन नॉट एंटर द पोर्ट, भारत के टेरिटरी में घुसा बट भारत के पोर्ट में नहीं आया, इन ऑर्डर टू अनलोड द मर्चेंडाइज लाइटेस्ट शिप्स आर एम्प्लॉयड, कुछ गुड्स को अनलोड करने के लिए एक हल्का जहाज को लाया गया छोटा जहाज को, stores are consumed on board the ship as well as by the small ships, jo stores tha usme usko on board mein ship ne usko consume kiya small ships ne bhi liya jo bhi uske andar spare parts jo bhi tha, examine whether such consumptions of stores attract custom duty, kya us particular store ko consume karna custom duty attract karega, quote relevant section and case law if any, stores are supplied to the above ships Which will such supplies be treated as exports and be entitled to drawback? ये CMA final में पूछा गया था 2013 के questions में, क्या decision था? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सर stores क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया stores क्या है, as per section 2 subsection 38 the customs act stores means goods for use in a vessels or aircraft and includes the fuel spare parts and other articles of equipment whether or not for immediate fitting, भले ही आप उसको अभी यूज करो ना करो, मतलब बात कुछ ऐसा है एक बड़ा सा जहाज, ठीक है मानो एक बड़ा सा जहाज येमेन से आ रहा है लेकिन उसको भारत के पोर्ट में नहीं आना है वो लेकिन भारत के टेरिटोरियल वाटर में चला गया, ठीक है भारत के टेरिटोरियल वाटर में आ गया, अब जो बड़ा जहाज है वो अपना
बात को समझे, बड़ा जहाज अपने आप को अनलोड कर रहा है और एक छोटा सा जहाज आया है, ठीक है, छोटा जहाज आके इसका प्रोडक्ट को यहाँ से ले रहा है। अब मानो इसके पास फ्यूल था, ठीक है, फ्यूल मतलब जो पेट्रोल डीजल जिसमें भी ये चलता है, नॉर्मली डीजल वगैरह में चलता है। अब मानो कि इसके पास जो स्टोर में फ्यूल था, इसके फ्यूल को इसके अंदर दिया गया, मतलब इसने कंज्यूम किया, दोनों ने कंज्यूम किया, इसने भी किया, इसने भी किया। अब बिग क्वेश्चन यही आ रहा है सर कि ये जो स्मॉल शिप्स हैं, जो स्मॉल जहाज या वेसल, बड़ा जहाज से जो फ्यूल को लिया, क्या इसे हम लोग कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया ना सर? क्वेश्चन हाँ सर, समझ में आना जरूरी होता है सर। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। ब्रिंगिंग ऑफ स्टोर्स इज ट्रीटेड एज इंपोर्ट, हाउएवर देयर इज अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टोर्स अंडर सेक्शन 87, इंपोर्टेड स्टोर्स कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड ऑन ओशियन गोइंग वेसल्स, फॉरेन गोइंग, ओशियन गोइंग वेसल्स मतलब जो फॉरेन गोइंग वेसल्स है, जो महासमुंदर के ऊपर से जा रहा है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी। जो फॉरेन गोइंग वेसल्स हैं वो अगर भारत के टेरिटोरियल वाटर से जा रहे हैं लेकिन उसको भारत में नहीं आना है, और उसके अंदर जो भी स्टोर्स हैं, जो भी उसके अंदर फ्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं जो अपने कंजम्पशन के लिए हैं, उसके खुद के लिए जरूरी चीजें, तो पहले तो बोल रहे कि सर ब्रिंगिंग ऑफ स्टोर्स इज ट्रीटेड एज इंपोर्ट, स्टोर लाना कि हमारे देश में इंपोर्ट है, बट देर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टोर्स कि भाई जहाज भारत के टेरिटोरियल वाटर होके जा रहा है बट उसको फॉरेन गोइंग शिप्स है बेसिकली, ठीक है। तो कह रहा है कि इंपोर्टेड स्टोर कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड, जो स्टोर हमने उसने इंपोर्ट करके भारत में लाया और वो अपने बोर्ड में उसको यूज कर रहा है ओशियन गोइंग वेसल्स में, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन 87, सीन्स द शिप इज अ ओशियन गोइंग स्टोर्स कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड विल नॉट अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी। वो ऑन बोर्ड अपने लिए कंज्यूम कर रहा है, उससे कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं होता। रिगार्डिंग द स्मॉलर शिप्स व्हिच आर एम्प्लॉयड टू अनलोड द कार्गो फ्रॉम द मदरशिप, दे आर टर्म्ड एज ट्रांसशिपर्स, इसको हम लोग ट्रांसशिप बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ओशियन गोइंग वेसल्स एज वॉज एज डिसाइडेड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वी एम सलगावकर ऑल इंडिया रिपोर्ट 1998, हिंस स्टोर्स कंज्यूम्ड बाय स्मॉल वेसल्स कुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। अगर स्मॉल वेसल्स भी कुछ भी स्टोर्स कंज्यूम्स वहां से लेता है तो उसके लिए भी वो कस्टम ड्यूटी फ्री माना जाएगा। स्टोर सप्लाई टू द वेसल्स विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, स्टोर सप्लाई टू द वेसल्स विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट एज पर सेक्शन 89 ऑफ द कस्टम्स एक्ट एंड हेंस विल बी एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ में आ रहा है सर? बोलो। मतलब बड़ा वेसल्स छोटा वेसल्स को दिया या छोटा वेसल्स बड़ा वेसल्स को दिया, ठीक है, अगर नॉर्मली इसमें ड्यूटी नहीं है, पहला पहला बात को स्टोर अगर आप इंडिया में लाते हो तो उसमें वो इंपोर्ट जरूर कहलाएगा, लेकिन फिर एक स्पेशल प्रोविजन लाया जा रहा है सेक्शन 87 में कस्टम्स एक्ट में, बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर वेसल्स फॉरेन गोइंग वेसल्स है और उसमें जो भी स्टोर्स उसके पास है, फ्यूल हो या कोई भी स्पेयर पार्ट्स हो, उसको ऑनबोर्ड कंज्यूम कर रहा है तो ऑनबोर्ड कंज्यूम करने में कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, ठीक है। और साथ में ये भी बोलता है द स्मॉलर शिप्स जिसको लगाया गया बड़ा बड़ा शिप को खाली करने के लिए या फिर कुछ अनलोड करने के लिए कार्गो को, मदरशिप से बच्चा शिप में जा रहा है तो उसको ट्रांसीपर्स कहते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ओशियन गोइंग वेसल्स एज वेल एज एज वॉज डिसाइडेड बाई इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सलगांव करके केस में, हिंस द स्टोर कंज्यूम बाई स्मॉल वेसल्स वुड नॉट कुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। अगर कोई स्टोर सप्लाई स्मॉल वेसल्स अगर बड़ा वेसल्स को करता तो उसको एक्सपोर्ट माना जाता सेक्शन 89 के हिसाब से और उसको ड्यूटी ड्रॉबैक माना जाता, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेन पॉइंट इज दैट कि क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस यस सर, ये एग्जेम्प्ट है। बोलो समझ में आया? अच्छा फिर आता है सर पर्सन इन चार्ज कौन है, सेक्शन 2 सबडिविजन 31, ये जरूर एक बार गो थ्रू कर ले फटाफट। सेक्शन 2 सबडिविजन 31 कहते हैं पर्सन इन चार्ज मींस वेसल मास्टर, एयरक्राफ्ट कमांडर और पायलट इन चार्ज, ट्रेन कंडक्टर और गार्ड, व्हीकल के केस में ड्राइवर, अदर कन्वीनियंस के केस में पर्सन इन चार्ज। हाई सी क्या होता है?
भारत के समुद्र से 200 नॉटिकल माइल दूर। नॉर्मली भारत का समुद्र 12 नॉटिकल माइल होता है, लेकिन भारत के समुद्र से मतलब हमारा जो 12 नॉटिकल माइल है, मतलब ये जो अगर मैं भारत को दिखाऊं, ये हमारा भारत है, इंडिया से 200 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल नहीं सर, सॉरी 12 नॉटिकल नहीं, 200 नॉटिकल, 12 नॉटिकल माइल में तो भारत है, वो इंडिया का टेरिटरी है, पर 200 नॉटिकल माइल हिसाब कर, 1.853 से इंटू कर, कितना किलोमीटर समझ में आ जाएगा? कितना किलोमीटर? कुछ समथिंग 250 या 300 के आसपास होगा, 370, 370, 370.6। 370.6 किलोमीटर, मतलब इंडियन समुद्र के छोर से 370 किलोमीटर दूर का जो एरिया है उसे हाई सी कहा जाता है। दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस कवर करता है इसको, हर देश का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, तो ये हाई सी कहलाता है, याद रखना सर हाई सी क्या है, ठीक है। एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड हाई सी। ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट्स इन दिस एरिया, सारे के सारे कंट्री का इसमें इक्वल राइट होता है हाई सी में, किसी का अकेला का अधिकार में वो नहीं होता। एंड देयर इज अनदर पॉइंट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी मैंने सब इनकम टैक्स पढ़ाने के टाइम पे बोला था, वहां पर भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर एसीजेड का क्वेश्चन आता है ना, इसलिए मैं वहां पर भी बोलता हूँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड्स टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, मतलब भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया ईईजेड, मतलब वही बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा भारत का, वो इंडिया का, मतलब वहां पर अगर कुछ भी इकोनॉमिक इंसिडेंट होता है तो वो भारत का ही अधिकार पहले आएगा, बाद में बाकी कंट्री। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया डीटीए, मतलब जो भारत का इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, एरिया है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, बट डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ईओयू कहते हैं ये, एसीजेड एंड ईओयू, इसके बारे में मैं दूसरे क्लासेस में बहुत बात करता हूँ, एसीजेड एंड ईओयू, जैसे जीएसटी में भी बात हुआ होगा, इनकम टैक्स में भी हुआ होगा, बेसिकली एसीजेड क्या है सर? एसीजेड बेसिकली देश के अंदर एक इस तरह का फैसिलिटी क्रिएट करना जिसके थ्रू से भारत में दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट, भारत का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करके भारत का इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली इनकम बढ़ाता है, ठीक है, देश का एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, ठीक है। भारत में कुछ कंपनी भी है जो इस तरह का डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, जैसे अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल के कंपनी भी चलता है अदानी का, ठीक है। ऐसे भी आप अगर देखोगे एसीजेड इन इंडिया बोल के तो आपको यहाँ पर अभी कुछ जगह दिखाई देगा, अभी देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, तो ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हिसाब से बना हुआ है, देखो कोचीन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन मद्रास, ठीक है, तमिलनाडु आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये सब क्यों बनाया जाता है सर? इस एरिया से जो कुछ भी प्रोडक्ट वहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके या उसको असेंबल करके फिर उसको फॉरेन में सेल किया जाता है, ठीक है, ये एसीजेड एरिया इन तमिलनाडु में है सर, ये देखो कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो मतलब इसमें अगर कोई कुछ सेल भी करेगा तो इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, मतलब एसीजेड में काफी सारी चीज में टैक्स फ्री होता है जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के बाहर है, जो डोमेस्टिक टैरिफ के बाहर होते हैं, याद रखना सर बात को, ये मैं नॉर्मली दूसरे क्लासेस में भी बोलता हूँ, यहाँ पर भी बोल दिया, ओके। तो ये था डीटीए क्या है, अच्छा केस लॉ, डीटीए के बारे में भी एक केस बना है ये भी जान लो, तिरुपति उद्योग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है सर। गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम यूनिट ऑफ डीटीए टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक गुड्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब नॉर्मल जो टैक्सेशन जोन है जहां पर नॉर्मल जीएसटी वगैरह चार्ज किया जाता है, गुड्स क्लियर फ्रॉम नॉर्मल डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन चार्जेबल टू ड्यूटी अंडर एसीजेड एक्ट 2005 और द कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है, ये नॉर्मल झमेला बना था। डिसीजंस लिया गया, कस्टम ड्यूटी कैन बी डिवाइड ओनली ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन टू और एक्सपोर्टेड बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द इंडिया। कस्टम ड्यूटी डिवाइड किया जाता है जो गुड्स भारत के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है या बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 इज नॉट अट्रैक्टेड फॉर सप्लाईज मेड बाय अ डीटीए यूनिट
टू ए यूनिट लोकेटेड विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो सिंपल बात है कि अगर नॉर्मली बात समझ रहे हैं सर, अगर आप भारत के बाहर कोई प्रोडक्ट, भारत से मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, इंडिया के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसे हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम DTA टू स्पेशल इकोनॉमिक चार्जेबल टू ड्यूटी अंडर ACZ एक्ट। ठीक है, अब जो एरिया भारत के अंदर एक स्पेशल सिचुएशंस लेके बना हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको जो कोचिंग दिखाया, कोचिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये जो एरिया बना हुआ है इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ फैसिलिटीज है, जो बेसिकली देश के अंदर रह के भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज लेता है बिकॉज ये एक्सपोर्ट पे काम करता है सर। ठीक है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैटर में काम करता है जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये जो केस बना था 2011 का जो केस बना था, ये कह रहा है कि अगर कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, मतलब जो 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 नॉर्मल टैक्स एरिया से अगर कोई गुड्स ACZ के अंदर जाता है तो क्या उसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए? कस्टम ड्यूटी कैन बी लिवाइड, लगाया जा सकता है ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये कस्टम एक्ट कहता है। साथ में ये भी कहता है इट्स नॉट अट्रैक्टेड फॉर सप्लाईज मेड बाय ए DTA यूनिट टू ए यूनिट लोकेटेड विद इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब अगर नॉर्मल ACZ जोन छोड़ के अगर कोई जगह से अगर कोई गुड्स ACZ में आता है तो उसमें ड्यूटी लगाया जा सकता है। Therefore, goods cleared from DTA to ACZ is not liable to export duty either under ACZ Act 2005 or under Customs Act 1962। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स को DTA से ACZ में लाया जा रहा, ठीक है, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी देने के लिए लायबल नहीं। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, अब आपके मन में चल रहा होगा सर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या है, सर सिंपल है, ACZ के बाहर जो भी एरिया है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। ये जो भी जगह आप देख रहे हो ये ACZ है, इसके बाहर जो भी है ये DTA है, ये ACZ है तो ये DTA है। बात समझ में आ रहा है ना? हेलो है सर। ठीक है, तो ये मतलब ACZ के बाहर से अगर DTA जोन से अगर ACZ जोन में अगर गुड्स आ रहे हैं तो क्या उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी देना होगा? नो। ठीक है, तो ये कस्टम्स एक्ट भी बोला और ACZ एक्ट भी बोल के रखा। अच्छा, और भी केस बना है, जैसे अबन लॉयड चिलीज ऑफशोर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का अरे केस है, ये सब केस में क्या क्या डिसीजन हुआ है जरूर एक बार देखना चाहिए आप लोगों को। ये सब केस केस पढ़ाते जाओ तो सारा दिन केस पे ही निकल जाएगा। गुड्स इंपोर्टेड बाय द SSC फॉर कंजम्पशन ऑन ऑयल रिग्स व्हिच आर सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। देखो सर क्या कह रहा है, गुड्स इंपोर्टेड बाय द SSC फॉर कंजम्पशन ऑन ऑयल रिग्स, मतलब तेल का जो कुआं वगैरह होता है, व्हिच आर सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ या EEZ में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब ये डिसीजन क्या दिया गया, EEZ डीम्ड टू बी ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब उसको भारत का टेरिटरी माना जाता है। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर्स और गुड्स और इक्विपमेंट टू द रिग्स बाय ए शिप विल अट्रैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी। बात समझ में आया, गुड्स इंपोर्टेड बाय द SSC फॉर कंजम्पशन ऑफ ऑयल रिग्स, आपने कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट किया, कहां यूज करना है आपको, तेल की कुआं में यूज करना है, व्हिच इज सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो भारत के टेरिटोरियल वाटर में नहीं है। भारत का टेरिटोरियल वाटर तो 12 नॉटिकल माइल तक का है। बात को वापस समझे सर, ये पूरा खेल समुद्र का है, भारत के लिए समुद्र, बिकॉज भारत का तीनों साइड समुद्र में है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑलवेज समुद्र वाला बात हो, लेकिन नॉर्मली ये EEZ वगैरह समुद्र में ही होता है। लैंड मास में तो ये कोई ना कोई लैंड किसी ना किसी कंट्री का है ना, कोई ना कोई लैंड एरिया किसी ना किसी कंट्री के पास है, लेकिन समुंदर को लेके थोड़ा सा मुश्किल है। तो भारत का भारत कहां तक है भाई, भारत तो 12 नॉटिकल माइल तक है। हेलो, फिर 200 नॉटिकल माइल के इस पार तो हाई सी है ना, तो ये जो बीच का एरिया है इसे क्या कहते हैं, इसे EEZ कहते हैं। जैसे मानो कि भारत के ये बॉम्बे हाई देखे हो कभी, अगर कभी बॉम्बे जाने का मौका मिले तो बॉम्बे हाई जरूर देख के आना। कैसे देखने को मिलेगा, अंदर तो जाने नहीं देगा सबको, ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ बॉम्बे हाई। इस एरिया में गिरता है सर, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई।
कोर्ट नहीं सर, वो बेसिकली जहाँ पर बॉम्बे का ऑयल माइंस है सर, ठीक है, तो वो बॉम्बे हाई वो समुद्र में दिखता है, ठीक है, उसका क्या नाम है, बॉम्बे हाई तो बोलता है, ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड, सो अगर मैं मैप में दिखाऊँ आपको तो आपको समझ में आएगा लोकेशन, ये देखो ये दिख रहा है बॉम्बे हाई ऑयल रिग, हेलो दिख रहा ऐसे है ना सर, तो ये कभी अगर बॉम्बे जाओगे ये तो एकदम 12 नॉटिकल के अंदर ही आ जाएगा, ये देखो सर, ये एरिया है, ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि तो गेटवे ऑफ इंडिया है ना सर, हाँ गेटवे ऑफ इंडिया ही तो बोलते हैं, हाँ गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र के अंदर जाना पड़ता है, वहां पर एक पहाड़ी है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, एक फोर्ट है, और उसमें बहुत ही सुंदर सा एक जगह है, तो उसमें जाओगे तो ये बॉम्बे ऑयल रिग का एरिया नजर आता है, तो ये तो 12 नॉटिकल माइल के अंदर ही आता है, ठीक है सर, इसका इमेज नहीं है बट इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा था, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोला। अब अगर मानो कोई पर्टिकुलर ऑयल रिग अगर आपको ईईजेड के अंदर मिलता है, मानो जो भारत के छोर से 12 नॉटिकल के बाहर है लेकिन 200 नॉटिकल के अंदर है, मतलब 12 नॉटिकल से 200 नॉटिकल माइल के बीच में है, तो उसको क्या बोलेंगे, ईईजेड बोलेंगे, तो ईईजेड ऐसे तो भारत नहीं है बट इसको डीम्ड टू भारत माना जाएगा अगर वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो, डीम्ड टू बी इंडिया। अब आप मानो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने ऑयल रिग के लिए या फिर कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए आप फॉरेन से कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके ला रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो भारत नहीं है तो मैं आप भारत को ड्यूटी देने के लिए रेडी नहीं, ठीक है, लेकिन सर नहीं, आप ईईजेड जोन में जो कंटिनेंटल सेल्फ है या फिर इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इस केस में आपको भारत में इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, क्लियर है, क्लियर है ना सर बात, ठीक है, टीसीयूज मुंबई वर्सेस अंबालाल एंड कंपनी 2010 का केस है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट स्मगल गुड्स कैन बी ट्रीटेड पार विद इंपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन ऑफ नोटिफिकेशन, यहाँ पर इंपोर्टेड गुड्स और स्मगल्ड गुड्स के बीच में डेफिनेशन दिया है, ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट द टर्म इंपोर्टेड गुड्स मींस एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, और स्मगल गुड्स क्या है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 39 ऑफ द कस्टम्स एक्ट स्मगल गुड्स मींस एनी गुड्स व्हिच आर लायबल फॉर कन्फिस्केशंस, जो बेसिकली चोरी का है अंडर सेक्शन 111 और 113 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द स्मगल गुड्स कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज इंपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशंस ऑफ नोटिफिकेशंस, स्मगल गुड्स को कभी भी इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहा जाएगा, वो तो कन्फिस्केटेड है, कन्फिस्केशंस मतलब बेसिकली जो चोरी का है तो वो स्मगलिंग हो गया, तो स्मगलिंग क्या है और इंपोर्टेशन क्या है, ये समझ में तो आ रहा है ना सर, हेलो सर मतलब ये क्वेश्चन पूछता है क्या स्मगल गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स के साथ सेम पैरामीटर में देखा जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कोर्ट ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं भाई आप मतलब स्मगल गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है सरकमस्टेंसेस ऑफ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, कि टैक्सेबल इवेंट कब होता है, ठीक है, किस टाइम पे आपको टैक्स लगता है, एक एग्जाम्पल करके समझा देते हैं सर आपको, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले आपको टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स समझना पड़ेगा, ये सेक्शन 12 का एरिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, सेक्शन 12 लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी मतलब कब कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा, सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट मेक्स इट क्लियर दैट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स इनटू और आउटसाइड इंडिया इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर पेमेंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेस्ड इन द डिटरमाइनिंग द पॉइंट एट व्हिच द इंपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्टेशन टेक्स प्लेस, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया,
अब देखो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन ए लैंडमार्क जजमेंट इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1999 एंड फर्दर इन द केस ऑफ गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर बट कंटिन्यूज एंड इज कंप्लीटेड व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री. जब भी वो भारत के टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर गया मतलब वो भारत के अंदर आ गया, लेकिन वो कंप्लीट तब होगा जब भारत के मास के अंदर आएगा मतलब लैंड मास के अंदर विद इन द कंट्री. And the taxable events being reached at the time when goods reach the custom barriers and bill of entry for home consumption is filed. मतलब समझे? Taxable event कब होता है ये बहुत जरूरी है. जैसे हम लोग जीएसटी के केस में सप्लाई अंडर जीएसटी देखते हैं, है ना? ऐसे इस केस में taxable event क्या है? मतलब कब आपसे टैक्स लिया जाएगा? जब गुड्स कस्टम बेरियर क्रॉस करता है, रीच करता है एंड द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज ऑल्सो फाइल्ड. नॉर्मली बिल ऑफ एंट्री अगर होम कंजम्पशन का फाइल हो जाता है तो उसको इम्पोर्ट नहीं माना जाता, तभी जाके उसको टैक्सेबल इवेंट के अंदर माना जाएगा. टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स के बारे में और भी क्लियरली बोला है सर. द टैक्सेबल इवेंट ऑकर्स इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट अंडर द कस्टम लॉ विथ रेफरेंस टू द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केसेस ऑफ गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड किरन स्पिनिंग मिल्स वर्सेज कमीशन ऑफ कस्टम्स. Taxable event in case of imported goods can be summed up in the following lines. Unloading or imported goods at the custom port is not a taxable event. अगर आप goods को custom port में import or unload कर रहे हो, ठीक है, तो उसे taxable event नहीं कहते. Date of entry into the Indian territorial water, ये भी taxable event नहीं है. Date of presentation of bill of entry is not a taxable event. Date on which the goods cross the custom barrier is a taxable event. कस्टम बैरियर को रीच करना, ठीक है, कस्टम वाटर को रीच करना, वो बेसिकली टैक्सेबल इवेंट है. जैसे ही आप कस्टम बैरियर को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, वैसे ही आप टैक्सेबल इवेंट में आ रहे हो. समझ में आ रहा है? मतलब भारत के टेरिटोरियल वाटर में, कस्टम वाटर में. टेरिटोरियल वाटर तो छोड़ो, कस्टम वाटर जो बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ही चालू हो जाता है, टैक्सेबल इवेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है. मतलब 200 नॉटिकल माइल तक तो पूरा कस्टमरी वाटर है सर. भारत के कंटिनेंटल मतलब जो भारत का जो बेसलाइन है, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया पूरा जो है वो कस्टम वाटर ही कहलाता है. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. चलो अब थोड़ा हिसाब किताब में बात करते हैं, काफी मतलब केस लॉ में बात हो रहा है, बट आई होप कि समझ में पूरा आ रहा है आप लोगों को. ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल्स में बात कर दे रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते ज्यादा डिटेल्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है सर. An importer, एक importer है जो import कर रहा है some goods for subsequent sale in India, ठीक है, भारत में आके sale करेगा, मतलब home consumption नहीं है, clearly बोल दिया. $10,000 का है, accessible value basis, मतलब value को assess करके $10,000 समझ में आया. Relevant exchange rate और $10,000 और उस time पे market में exchange rate चल रहा है, दो rate दिया है sir. Date of submission of bill of entry, जिस दिन submit हुआ 25 February 2018 का date, उस दिन $58 चल रहा था और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल्स 5th मार्च 2018 ये $58.75 चल रहा था. ठीक है, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री का है 10% और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल्स उस दिन है 12%. ठीक है, आपको पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट करके बताओ एसेसिबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी इन इंडियन रुपीज, कितना कस्टम ड्यूटी इंडियन रुपी में बनता है. हेलो, क्वेश्चन समझ में आया रे? हाँ सर. अब कैसे जवाब देना है? सबसे पहले देखो ये जो आपके मन में कुछ सवाल है कि सर ये कौन सा रेट लेना है, 58 लेना है कि 58.75 लेना है, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लेना है कि 12% लेना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर बोला है, आप देख लो एक बार. Relevant rate of duty for the importers of goods is 12% because date of submission of bill of entry or date of entry inwards granted to the vessel, whichever is latter, bill of entry या inward granted जो vessel को मिला है, जो बाद में होगा, तो 25 फरवरी और 5 मार्च कौन बाद में हुआ, 5 मार्च बाद में हुआ, तो वही वाला rate लगेगा. और exchange rate is 58 per US dollar, that is rate of CBIC as on the date of submission of bill of entry by the importer. जिस दिन इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री को डालेगा
ठीक है, उस दिन जो रेट चल रहा है वो वाला रेट को लिया जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि रेट कौन सा लगेगा और एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितने का होगा और एक्सचेंज रेट कितने का होगा। ठीक है, ये रूल बता दिया सर, एक बार जरूर ठीक ठाक से सर देख लीजिए। एसेसेबल वैल्यू, अब देखो बड़ा सिंपल है, $10,000, आप $10,000 का सामान लेके आ रहे हो, मार्केट में वैल्यू चल रहा है 58 करके, तो 10,000 × 58 580,000 का इंडियन सामान है। इसमें ड्यूटी लगेगा, इसमें ड्यूटी लगेगा बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, 580 पे 12%, 69,600 करके देखो, अगर आंसर में हाँ आंसर मैच कर रहे हैं। বলছে এটা हेलो, 58 কেন হবে ये 58 যেটা কিউ? বল বলছে যেটা ওই ল্যাটার ডেট বললেন না না না, ল্যাটার ডেট কিসকে লিয়ে? ল্যাটার ডেট ইসকে লিয়ে, ডেট অফ সাবমিশন অফ বিল অফ এন্ট্রি অর ডেট অফ এন্ট্রি ইনওয়ার্ডস গ্রান্টেড টু দি ভেসেল হুইচ এভার ইজ ল্যাটার, দিস ইজ ফর দি কাস্টম ডিউটি পারপাস কে লিয়ে। লেকিন এক্সচেঞ্জ রেট কে লিয়ে, দা রেট অফ সিবিআইসি অ্যাজ অন দি ডেট অফ সাবমিশন অফ বিল অফ এন্ট্রি বাই দি ইম্পোর্টার, ইম্পোর্টার যিস দিন রেট অফ বিল অফ এন্ট্রি সাবমিট করেগা সিবিআইসি কে পাস, ও ওয়ালা দিন কা জো রেট হ্যায়। তো বিল অফ এন্ট্রি সাবমিশন কা ডেট ক্যা হ্যায়? 25 ফেব্রুয়ারি, ও ওয়ালা রেট লিয়া জাতা হ্যায়। इसमें लेटर वाला नहीं, इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स को बिल ऑफ एंट्री जिस दिन इंपोर्टर सबमिट करता है वो उस दिन जो रेट चलेगा वही वाला रेट होगा एक्सचेंज रेट। समझ में नहीं आया? हाँ सर मुझे ठीक है, इसमें लेटर वाला केस, लेटर वाला केस बेसिक ड्यूटी के लिए, मतलब कस्टम ड्यूटी के लिए लेटर वाला केस होगा कि भाई बिल ऑफ एंट्री सबमिशन का डेट और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट ग्रांटेड टू द वेसल, इसमें से जो लेटर होगा उस दिन जो रेट चल रहा है वो लेना जाए। लेकिन एक्सचेंज रेट के केस में सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री जिस दिन होगा वो वाला रेट लेके काम करना चाहिए। ठीक है, अब हिसाब भी देख लीजिए, 10,000 के साथ 58 को इंटू करो तो 580,000 का एसेसेबल वैल्यू है। आपको कोई एग्जाम में अलग अलग से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसेसेबल वैल्यू, तो ये होता है एसेसेबल वैल्यू, जितने का इंपोर्टिंग है उसको इंडियन करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट में इंटू कर दो, बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगेगा 580,000 का 12%, तो 69,600। जितना आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा उसके ऊपर 10% लगाओ, दैट इज अ सोशल वेलफेयर चार्जेस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बोलते हैं इसको, 10% जो बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगा जाए, तो 69,600 का 10%। इसके ऊपर अब ये दोनों को ऐड करो, 580, 69,600 और 6,960, ठीक है, तो 580, 69,600 एंड 6,960 ये टोटल करो, इसके ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो जीएसटी लगाओ। अब इंटरनेशनल इंपोर्ट है तो इसमें ऑब्वियसली आईजीएसटी लगेगा, अब क्योंकि ये तो इंटरनेशनल है ना सर, इसमें कोई स्टेट टू स्टेट का मैटर, सॉरी एक ही स्टेट के अंदर का तो बात होगा नहीं, तो आईजीएसटी चार्ज होगा। तो इसमें एज्यूम कर लिया 18%, 28 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, बट एज्यूम करो स्टैंडर्ड एक 18% का टैक्स है। तो जितना आपका टोटल ये वैल्यूएशन होगा 580,69,600, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर चार्जेस एंड एसेसेबल वैल्यू को मिला के जितना टोटल होता है उसके ऊपर आपका जीएसटी आएगा, आईजीएसटी। तो कुल मिला के आपका आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ 1,18,181, ठीक है, तब आजकल एक्चुअली कस्टम ड्यूटी के साथ जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर आपका टोटल कस्टम ड्यूटी कितना हो गया इंक्लूडिंग आईजीएसटी, 1,18,181, ठीक है, 1,18,181 और कितना आएगा, और बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना रही है, ये दोनों को ऐड करो सर, ये तीनों ऐड करके कितना आ रहा है? जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे सर। मौसमी कनेक्टेड आचिस, 1,18,000। हेलो सर, 194741। আচ্ছা তিনটে কে অ্যাড করে, হ্যাঁ স্যার, 1,18,181, 1,18,181 প্লাস 6,960
प्लस 69 60 नहीं सर 69 600 194741 ठीक है, इतना आपका हो गया टोटल कस्टम ड्यूटी जिसमें जीएसटी इंक्लूड है ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब अगर कोई वेयरहाउस्ड गुड्स है ठीक है तो उसके केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, उसका भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सर। ये एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर आप और डिटेल्स में देखोगे जैसे मानो कि टैक्सेबल इवेंट फॉर वेयरहाउस्ड गुड्स, अगर गुड्स को वेयरहाउस किया जा रहा है तो उसके लिए भी अलग रूल है ठीक है। As per section 15 subsection 1 clause B of the Customs Act 1962, when goods have been deposited into warehouse, जब goods को warehouse में डाला जाता and they are removed there from for home consumptions, the relevant date for determination of rate of duty is the date presentation of X bond bill of entry for home consumptions will be fixed from 6 August 2014. Section 15 subsection 1 of Customs Act 1962 has been amended to provide the determination of rate of duty and tariff valuations for import through a vehicle in cases when the bill of entry is filed. अच्छा एक काम करते हैं सब, इतना provisions पढ़ के अभी समय नहीं देना है, अब थोड़ा example देख लेते हैं आपको clear हो जाए। देखो, an importer imported some goods, entry inward granted to the vehicle on 7th February, and the goods were cleared from Chennai port for warehousing on 8th February. Warehousing मतलब गोडाउन में लाना। After assessment मतलब value assess करने के बाद the bill of entry was presented on 1st February for warehousing. Assessable value था $10,000. Assume that no additional duty is payable. मान के चलते हैं कि कोई additional duty pay नहीं करना। The goods were warehoused at Chennai and were cleared from Chennai warehouse on 4th March. Chennai warehouse को clear किया जाएगा 4th March को. What is the duty payable while removing the goods from Chennai warehouse? जब Chennai warehouse से goods को clear किया जाएगा तो कितना duty pay करना पड़ेगा? Exchange rates and rate of customs duties are as follows. तो देख लेते हैं सर क्या क्या दिया है और कैसे calculate करना है। तो date of submission of bill of entry for warehousing हुआ 1st February को, जिस दिन exchange rate declare किया CBIC ने $55. Date of entry inwards granted to the vessel 7th February, जिस दिन 59 CBIC ने declare किया, and date of clearance for goods from warehouse 4th March, जिस दिन duty CBIC ने declare किया $60. Basic custom duty 10%, 15%, 12% अलग अलग date में situation wise बना हुआ है ठीक है। ये हमारा question है। अब हमें ये हिसाब लगाना है सर, हमें ये अभी ये हिसाब लगाना है कि ultimately क्या rate लगेगा, क्या हिसाब होगा इसका। तो बड़ा simple से calculations है, रूल को फॉलो करेंगे आंसर ऐसे ही आ जाएगा। रेलिवेंट डेट, जो रेलिवेंट डेट फॉर द ड्यूटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वेयरहाउस्ड 12% माना जाएगा, दैट इज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सब बिल ऑफ एंट्री ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सब बिल ऑफ एंट्री, उस दिन जो रेट चल रहा है वो वाला रेट को दिया जाए। एक्सचेंज रेट 55 माना जाएगा, बिकॉज मतलब ये जो है ये CBIC जिस दिन रेट डिक्लेयर कर रहा है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय द इंपोर्टर, ये वाला रेट जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखे, ये दोनों डेट तो क्लियर है ना सर? हां सर। एसेसेबल वैल्यू, देखो सर यहां पर हम लोग बिल ऑफ एंट्री का डेट क्या था, 12% रेट जो चल रहा था 4th मार्च को, जो लेटर हुआ देखो उसी को लिया गया ठीक है। और बिल ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्री जिस दिन CBIC ने जिस दिन डिक्लेयर किया, उस दिन बिल ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्री इंपोर्टर ने जो किया वो रेट को ही लिया जाता है, तो 55। तो अभी एसेसेबल वैल्यू देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आपका टोटल 10,000 का डॉलर का था, 55 करके 5,50,000, इसके ऊपर 12% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, कोई एडिशनल ड्यूटी के बारे में बोला नहीं था, 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, तो आप जस्ट उस पे 66,000 का 10% करो, टोटल कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडिंग IGST, इसमें GST नहीं लगाया गया, तो एक्सक्लूडिंग IGST आपका टोटल कस्टम ड्यूटी लगा 72,600 ठीक है। अगर जीएसटी होता तो आप 18% जीएसटी या 12% जो भी जीएसटी होता है इंक्लूड करते हैं, लेकिन जीएसटी नहीं है तो जीएसटी को बिना जीएसटी को इंक्लूड करते हुए हम लोगों ने आंसर तक पहुंच गए ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, इसमें डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स और द वेसल अराइवल और द एयरक्राफ्ट ठीक है, और व्हिच एवर इज लेटर, ये लिया जाता है। गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम अ वेयरहाउस अंडर सेक्शन 68
जब क्लियर वेयरहाउस को क्लियर किया जाता है तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन को लिया जाता है, और अदर गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी जिस दिन होता है वो वाला डेट को लिया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड ऑफ गुड्स में क्या लगता है सर? बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 12 में बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सवाल होता है यहाँ से। रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ सबमिशन फॉर बिल ऑफ एंट्री, रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल्स, व्हिच डेट इज लेटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता के रखा। और रेट ऑफ मतलब ड्यूटी जो है मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी प्रिवेल्ड ऑन दैट डेट एप्लीकेबल, ठीक है, जिस मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो वाला रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल व्हिच एवर इज लेटर, एंड दैट पर्टिकुलर डेट पे जो भी ड्यूटी रहेगा वो पर्टिकुलर बेसिक कस्टम ड्यूटी माना जाएगा। एक्सचेंज रेट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, एक्सचेंज रेट के केस में भी आपको मैंने अभी अभी पढ़ा के आया, एक्सचेंज रेट जो सीबीएसई मतलब सीबीआईसी डिक्लेयर करता है, ठीक है, मोर देन वन एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्सेशन एंड कस्टम्स एंड एक्सचेंज ऑफ सीबीएसई एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो नॉर्मली यही वाला डेट हम लोग लेते हैं। अभी क्वेश्चंस में करके रखे हैं सर, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ओके, अब आगे आगे कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है, टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, रेट ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, मतलब वही सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि किस तरह से हम लोग सिंप्लीफाइड अप्रोच लेके रॉ मटेरियल, ओवर हेड, फ्रेट, इंश्योरेंस, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का मतलब चैप्टर वन का जो बाकी पॉइंट है इसको एक बार गो थ्रू करके रखना। मैं कल सुबह एक क्लास बुक रखूंगा, ठीक है, उसमें मैं बाकी एग्जाम्पल्स और जो भी पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, बुझे जाते सर, मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है, एक बार जरूर गो थ्रू करके रखना सर, इजी पॉइंट्स है, मैं एक बार पकड़ा दिया, ठीक है, एक बार जरूर गो थ्रू करके रखना, मुझे नहीं लगता कि डाउट रहेगा, अगर डाउट रहे तो पूछ लेना, ठीक है, आज ही कंप्लीट कर लो, और बाकी जो नोट्स वगैरह हैं उसको भी मैं शेयर करता हूँ। अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज कितना तरह का ड्यूटी होता है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, ड्यूटी कितना तरह का होता है इसके ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, इसको भी आप आराम से समझ सकते हो। और जो थोड़ा सा क्रिटिकल एक टॉपिक है दैट इज वैल्यूएशंस करने वाला जो टॉपिक है, ये एक चैप्टर आता है वैल्यूएशंस ऑफ ड्यूटी का, वो वाला चैप्टर में बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवा देने से मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर एग्जाम टाइम प्रिपरेशन है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, पूछा गया है तो कल सुबह एक क्लास देंगे तो वहां पर बाकी डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, इसको कंप्लीट कर ले, हाँ ठीक है, मुझे जेटा दिला मेटा कंप्लीट कर लेना, एटा ए प्रथम चैप्टर टा कंप्लीट कर लेना।